Good evening, everyone. I am Irfan Habib, currently a first year MBBS student from AIIMS Bhubaneswar. मैंने NEET 2022 में 685 marks स्कोर किया था with All India rank 594. So here I am as your mentor today. तो आज हम जो चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इट्स मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ये बेसिकली हमारे क्लास ट्वेल्थ में जो बेसिक चैप्टर्स जेनेटिक्स में आते हैं, पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम पहले सीखते हैं कि कैसे हमें जो चीजें इनहेरिटेंस हो, मतलब जब इनहेरिटेंस मतलब क्या है कि कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीजें इंफॉर्मेशन पास होता है. सो ये हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में सीखते हैं. फिर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या सीखते हैं कि कैसे ये सब जो चीजें हम देख रहे थे, जैसे कैसे जो टी का जो जीन हमारे हाइट के लिए है, टी वो कैसे नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, कैसे ये सब हो रहा है. तो ये एक जेनेटिक लेवल में जाकर, मॉलिक्यूलर लेवल में जाकर, जैसे डीन के लेवल में, डीएनए के लेवल में उसका जीन का सपोर्ट करता है, देन कैसे हर एक जो डीएनए का सीक्वेंस है अकॉर्डिंग टू दैट उससे कैसे प्रोटीन बनता है जो अल्टीमेटली हमारे जो एक्सप्रेस होते हैं ना. क्योंकि बाहर से हम जो देखते हैं वो हम तो वही बोलते हैं कि इनहेरिटेंट हो रहा है, लेकिन अंदर कैसे ये इनहेरिटेंस का जो बेसिस है उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होता है, तो व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द नेचर्स, है ना, उनको ठीक है, फिर वो कैसे इनहेरिटेंस हो रहे हैं, फिर डीएनए क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है, डीएनए से कैसे आरएनए बनता है, डीएनए कैसे खुद में रिप्लिकेट करता है, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन. जैसे हम सेंट्रल डॉग्मा जो देखेंगे उसमें पहले क्या है कि डीएनए आता है, देन डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, राइट. सो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये सेंट्रल डॉग्मा है जिसको हम, यही बेसिकली मेन चीज है इनहेरिटेंस में कि कैसे आपके जो इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्मेट में बेस पेयर में स्टोर्ड है वो कैसे पास ऑन होता है थ्रू द जनरेशन. तो पहले डीएनए जब खुद में रिप्लिकेट करता है इसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन, है ना, डीएनए रिप्लिकेशन. जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना. फिर जब आरएनए से प्रोटीन बनता है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन. ओके, सो कैसे ये चीजें, जैसे डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए डीएनए से प्रोटीन, और हर एक स्टेप में इसका एक कंट्रोल भी होता है, कि रेगुलेशन भी होता है, वरना ऐसा नहीं है कि हम ये चीजें कंटिन्यूअस अगर विदाउट एनी रेगुलेशन होने लगा तो फिर बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि अगर कंटिन्यूअस प्रोटीन बनता गया या फिर कोई प्रोटीन गलत बन रहा है तो फिर बहुत सी दिक्कत आएंगे, है ना, फिर एक्सप्रेशन गलत होगा. तो इसके लिए एक रेगुलेशन और एक्सप्रेशन भी होता है हर एक स्टेप में, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, जब आरएनए निकल रहा है मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, है ना, हर एक स्टेप में इसका अलग से रेगुलेशन भी होता है, ठीक है. तो आज के सेशन में हम डिस्क्राइब करेंगे यही सब बेसिक चीजें कि व्हाट इज डीएनए, हाउ इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए, देन डीएनए कैसे खुद में रेप्लिकेट करके फिर डीएनए बनाता है, एंड कैसे डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए से अकॉर्डिंग टू दैट प्रोटीन बनता है ना. सो ये बेसिक मेन हेडिंग्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है, द डीएनए, सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, कैसे हमने डिस्क्राइब किया कौन सा जेनेटिक मटेरियल है. पहले हमको लगता था कि मे बी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, फिर हम ये कंक्लूड किए नहीं शायद प्रोटीन है, कुछ लोगों ने बोला आरएनए है, तो व्हाट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, वो हम सर्च किए कैसे कंक्लूजन में अल्टीमेटली, देन व्हाट इज आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड क्या है, फिर आरएनए वर्ल्ड क्या है कि जैसे ये देखा गया कि कुछ बेसिक है ना, कुछ आरएनए क्यों इम्पोर्टेंट. देखो पहले ये माना जाता था कि जब एकदम प्रिमिटिव वर्ल्ड था तब जो ऑर्गेनिजम्स आए थे उनमें आरएनए था. अब ऐसा क्यों लगता था कि प्रिमिटिव आरएनए थे फिर आरएनए से डीएनए आया, ऐसा क्यों लगता था हमें. देखो इसके लिए आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड ये डिस्कस करता है कि आरएनए ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, ये हमें इस बात से पता चलता है. जैसे कि मान लो मेटाबोलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, जो भी बेसिक लाइफ प्रोसेस है वो सारे के सारे आरएनए के अराउंड है. आप देखोगे डीएनए डायरेक्टली किसी में भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आरएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व है. और एक चीज क्या है कि आरएनए बहुत ज्यादा एक्टिव है, आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है डीएनए, जैसे कि डीएनए में
वो खुद जाके कुछ प्रोटीन नहीं बना रहा, डीएनए पहले आरएनए बना रहा है, आरएनए प्रोटीन बना रहा है। तो हर एक स्टेप में ट्रांसलेशन देखोगे आप, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म देखोगे आप, स्प्लाइसिंग, आरएनए। आरएनए खुद एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो हम इससे ये भी सीखते हैं कि आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो फिर ये पता चला कि आरएनए क्योंकि इतना ज्यादा अनस्टेबल, इतना ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होने लगे। तो यहीं से आरएनए में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन में लगा, जिससे हमें डीएनए मिला, है ना। तो डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन, जो और ज्यादा स्टेबल, जैसे कि आरएनए में कुछ चेंजेस करे, कुछ को डीऑक्सी करवाया जाएगा राइबोस के, है ना, कार्बन में, तो वहां से डीऑक्सी फरमाया, जिससे जो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव था वो, है ना, नहीं कम कर, मतलब वो रिएक्शन रिएक्टिव कम रिएक्टिव हो गया। फिर क्या, जैसे आरएनए में था यूरासिल, उसको रिप्लेस करके थायमिन आया, जो और ज्यादा एक्टिव नाइट्रोजन बेस है ना। तो ऐसे कर क्या है कि आरएनए से डीएनए आया, जो डबल स्टैंडर्ड बना पहली चीज, डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री, इससे एक स्टेबिलिटी पहली चीज आया। फिर क्या, इसमें डीऑक्सी आया, मतलब ऑक्सीजन, अगर वो फ्री ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इससे रिएक्टिविटी घटा, स्टेबिलिटी बढ़ा। फिर थायमिन आया, स्टेबिलिटी बढ़ा। फिर आप देखोगे जब डबल स्टैंडर्ड हुआ, उसमें एक स्टेयरकेस टाइप का फॉर्मेशन भी आता है, इससे भी एक स्टेबिलिटी आया। और एक चीज भी यह है कि इससे जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड चेंजेस ऑफ लाइक, इसमें और एक चीज मतलब नया इवॉल्व हुआ, दैट इज रिपेयरिंग। जब कुछ चीजें आरएनए में गलत होता था तो उसको रिपेयरिंग के लिए इतना ज्यादा चांसेस नहीं रहते, लेकिन जब डीएनए आया, जब दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंटरीली पास पास आया, एंटी पैरेलली, तो उनमें चांसेस रहा कि हम इजिली रिपेयर कर सकते हैं बाय एंजाइम्स, है ना। तो ये इससे ये था, इससे हमारे दिमाग में ये आया कि माना कि अभी डीएनए हमारा मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के लिए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, तो आरएनए वर्ल्ड इसे डिस्क्राइब करते हैं ना। फिर हम देखेंगे रिप्लिकेशन, ठीक है, मैं रेप्लिकेशन के बारे में आगे आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन मैं ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि व्हाट इज रेप्लिकेशन। देखो रेप्लिकेशन, पहली चीज हमें पहले समझ में नहीं आया कि एक डीएनए, आप देख रहे हो यहाँ पर वाटसन क्रिक का जो मॉडल है ना, जब वाटसन क्रिक ने डिस्क्राइब किया कि डीएनए एंटी पैरेलल एंड डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, उसी टाइम उनके दिमाग में ये भी आया कि एक डीएनए कैसे दो डीएनए बनाता है। अगर डीएनए खुद से एंटी पैरेलल इन कॉम्प्लीमेंट्री, आप खुद सोचो यहाँ पर जो आप देख रहे हो दो स्ट्रैंड ऊपर वाला, है ना, ऊपर वाला जो आप स्ट्रैंड शो हो रहा होगा, ये वाला देखो, तो इसमें देखो कि दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल है, और जो इसका हमने जब इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो इसका पेरेंटल से हमने जब, है ना, नेक्स्ट जनरेशन के जो डीएनए देखा, तो उसमें देखा कि एक स्ट्रैंड बिल्कुल अपना पेरेंटल जैसा है ना, और एक स्ट्रैंड जो नया है और वो पुराना स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि डीएनए दोनों के दोनों नए नहीं बनते, बल्कि ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है। व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव, व्हाई नॉट फुल्ली कंजर्वेटिव। फुल्ली कंजर्वेटिव मतलब क्या, जो डीएनए था वही रहता, वो ऐसा तो नहीं है। फिर ऐसा भी नहीं है कि खुद से बन रहा है, मतलब कि थोड़ा प्रीवियस का है एंड थोड़ा नया बन रहा है, तो उसका मतलब ये बन रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव, फुल्ली कंजर्वेटिव भी नहीं है और पूरी तरह से नया भी नहीं है। मैं आपको डिस्क्राइब करके फिर से यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये डीएनए है मान लो ऐसा, है ना, तो अभी क्या है कि इससे बन रहा है, हेलो सर, गौरव सर आप सुन रहे हो मुझे? तो जो चीज मैं आपको बता रहा था ना कि फिर ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट चेंज हो गए, है ना। ऐसा है कि देखो इसमें से दो जो स्टैंड है, दो स्टैंड अलग अलग से टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। ये वाला एक स्टैंड हो गया, ये वाला एक स्टैंड हो गया, ये वाला एक स्टैंड हो गया, एंड एक मिनट, एंड जो है एक स्टैंड ऐसा बन रहा है ना। तो अब जो नया, ये देखो ये दोनों अलग अलग से टेम्पलेट काम करेगा, मतलब क्या, ये जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक स्टैंड यहाँ पर बन जाएगा, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, इसके भी एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एक स्टैंड बन जाएगा। तो आप देखो कि एक डीएनए से दो डीएनए बन रहा है, जिसमें से एक डीएनए, एक जो स्टैंड है वो प्रीवियस मतलब पेरेंटल का है, एक नया बना है, ठीक है। देखो फुल्ली कंजर्वेशन भी नहीं हुआ, फुल्ली नया भी नहीं बना, तो दिस इज अ टाइप कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। अब हमको ये चीज एक बार में नहीं समझ में आया कि सेमी कंजर्वेटिव है ना, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी करना पड़ा। बायोलॉजी में कुछ भी ऐसा, मतलब साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको दिमाग में आया थ्योरी आप बोल दिए, उसको आपको प्रूव भी करना पड़ता है ना। तो मैथ्यू एंड स्टॉल ने इसको 1958 में इसको मतलब परफॉर्म किया था एक एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट में उन लोगों ने क्या किया था कि बेसिकली डन, उन्होंने डीएनए लिया, ठीक है, डीएनए को ग्रो किया नाइट्रोजन की
15 मतलब N15 जो फॉर्मेट होता है ना, ये आइसोटोप है नाइट्रोजन के, ठीक है, हेवी आइसोटोप नाइट्रोजन। तो कुछ एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उनको यहाँ पर ग्रो किया, तो अगर उनको यहाँ पर फीड किया गया है तो उनके डीएनए में तो N15 होगा, और कुछ को क्या किया गया है ना, फिर जब उनको जब कन्वर्ट किया गया मतलब उनको ले लिया, मतलब उनको जब फिर N14 का नॉर्मल NH4Cl जो है वहां पर ले जाके उनको फिर ग्रो किया जाए, तो वहां पर अगर ये एस्चेरिचिया कोलाई क्यों लिया गया, एस्चेरिचिया कोलाई इसलिए लिया गया कि ये 20 मिनट में रेप्लिकेट करता है, हर 20 मिनट में नया नया जनरेशन में लगेंगे, है ना। तो इसके वजह से क्या था कि एक 20 मिनट में ये फिर से रेप्लीकेट हो गया, रेप्लीकेट होकर इसमें जनरेशन वार मिल गया। अब इस जनरेशन में हमने जब देखा ना, और हमने सेंट्रीफ्यूज किया हर एक डीएनए को लेकर, तो पहले डीएनए बहुत हेवी है क्योंकि उसमें N15 है, हेवी आइसोटोप है, तो उसका कुछ ऐसा पैटर्न आया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट जनरेशन का हमने लिया, उसका पैटर्न कुछ इस तरह का आया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको एक चीज ये भी समझ में आ गया कि यार जो भी है ना, जो भी है, लेकिन ये देखो आप अगर ध्यान से देख रहे हो, है ना, ये देखो ये हेवी है, इसका पैटर्न इस तरह से आया कुछ, ठीक है। ये हाइब्रिड वाला कुछ इस तरह का पैटर्न आया, ठीक है। फिर हमने जब जनरेशन टू मतलब फिर से हमने N14 में ले गए, तो फिर देखो फिर एक स्ट्रैंड पेरेंटल का तरह, फिर एक स्ट्रैंड नया, एक स्ट्रैंड पेरेंटल, एक स्ट्रैंड नया, पेरेंटल नया, तो हर जगह ऐसे करते करते हमें दो और फॉर्मेट मिले, एक लाइट वाला जिसमें सिर्फ N14 14 और इसमें हाइब्रिड। तो ऐसे करके बहुत से पैटर्न आए जिससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए जो है वो सेमी कंसर्वेटिवली रेप्लीकेट होता है, ओके। देन इसके एंजाइम एंड मशीनरीज कौन से एंजाइम्स में काम करता है ना, रेप्लिकेशन में बहुत से स्टेप्स आते हैं, एक स्टेप में नहीं होता है ना, कौन सा एंजाइम इसमें बेसिकली आता है। तो सबसे पहला एंजाइम जो इम्पोर्टेंट है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, एंड ये डीएनए देखो डीएनए के ऊपर है ना, ये जो डीएनए यहाँ पर देखो ये डीएनए है ना, ये डीएनए का ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है ना, ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है तो इस पे एक एंजाइम आता है ना, मान लो ये कुछ एंजाइम है, ये एंजाइम है ना, यहाँ पर ये एंजाइम बैठ गया इधर, है ना। तो एंजाइम इस डीएनए पे काम कर रहा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए को पॉलीमर कर रहा है ना, डीएनए के नए नए पॉलीमर्स को लाएगा, ये पॉलीमरेज करके शॉर्ट टाइम में आपको क्या देगा बताओ, फिर से नया डीएनए देगा। तो ये कैसे होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज अकेले काम नहीं करता, इसके साथ बहुत से ऐसे एंजाइम्स है ना। तो कौन कौन से एंजाइम्स है आप बताओ मुझे, मैं आपको बताता हूँ। देखो सिर्फ अकेला डीएनए पॉलीमरेज इतना सुख नहीं करता ना, तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट जो हमको ध्यान में रखना है। तो पहली चीज जो है वो डिस्क्राइब करता हूँ, सो पहले क्या आएगा बताओ, पहले आएगा इसमें डीएनए ए प्रोटीन जो आइडेंटिफाई में काम करे। देखो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, ठीक है, ये लो, ये इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक ना। अभी थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं इसको अच्छे से, डीएनए रेप्लिकेशन के मशीनरी को, है ना। तो देखो डीएनए मशीनरी का मेन क्या है, ये रहा आपका डीएनए, ऑलराइट, ये मान लो आपका डीएनए, मैं ऐसे नहीं शो कर रहा हूँ, ऐसे शो कर रहा हूँ तो बहुत कंफ्यूजन होगा, मैं आपको ऐसे शो कर रहा हूँ, एक डीएनए का पार्ट ले लिया मैंने, ओके राइट। ये मान लो डीएनए का दो स्ट्रैंड है, मैंने पार्ट ले लिया, ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है ना, ये 5' प्राइम, सॉरी ये 5' वाला पार्ट, ये 5' वाला पार्ट, और ये 3', ये 3', ये 5', है ना। तो देखो 5-3-5-3 एंटी पैरेलल। तो इसमें जो पार्ट है ना, तो पहले क्या होता है कि पहले इसमें एक यहाँ पर ना एक जगह होता है जहां पर बहुत ज्यादा एडिनिन की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा एडिनिन 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 ऐसे होते हैं, तो उस जगह हम क्या कहते हैं, वहां पर एक एक टाइप का प्रोटीन आता है, दैट इज वहां पर इस टाइप का प्रोटीन आएगा, दैट इज डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन उसको आइडेंटिफाई करेगा, फिर हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एक एंजाइम आएगा यहाँ पर, हेलिकेज इस एक एंजाइम आएगा जो इसको ब्रेक करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो पैटर्न कैसा दिखेगा आपको, देखो ये कुछ इस तरह बन जाएगा ना, बताओ ऐसा नहीं बनेगा क्या, बताओ ऐसा बनेगा ना, देखो ऐसा ऐसा बना होगा, सॉरी है ना, तो ऐसा ऐसा बना होगा, देखो ये
है ना, तो क्या होता है कि देखो ऐसा बन गया तो फिर ये ऐसा लगेगा हमको देख के कि यार ये तो फॉर्क टाइप का बन गया ना, एक फॉर्क देखो ये जगह फॉर्क बन गया ना एकदम, तो ये पार्ट देख ये पहला पार्ट अगर अच्छे से तो ये क्या बन गया, ये फॉर्क बन गया ना, ठीक है। तो यही है कि देखो ये जो पार्ट है ये देखो यहाँ से बच्चे ये वाला पार्ट यहाँ से, ये क्या फॉर्क बन गया ना, है ना, तो यार ये फॉर्क बन गया, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब इस रेप्लिकेशन फॉर्क पे क्या होगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज नाम पे एंजाइम आएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज खुद से काम तो करेगा नहीं, उसके लिए उसको चाहिए कि मैं डीएनए पॉलीमरेज से कुछ मांगे, कि पहली चीज ये सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, उसका कुछ तो क्राइटेरिया है भाई, एक अच्छा एंजाइम है तो उसकी कुछ डिमांड है ना। तो वैसे ही मान लो कि हाँ मैं सिंगल स्ट्रैंड पे काम करूंगा, तो डीएनए पॉलीमरेज बोलता है मैं सिंगल स्ट्रैंड, तो सिंगल स्ट्रैंड बना दिया। अब सिंगल स्ट्रैंड बना तो दिया, इसको स्टेबिलिटी भी चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबिलिटी के लिए होता है सिंगल स्ट्रैंड, है ना, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन क्या है इसके पास, देन इसके पास और एक एंजाइम आएगा हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम करके इसको तोड़ता है दोनों तरफ से, अगर दोनों तरफ से तोड़ेगा ठीक है ना, ठीक है। और एक एंजाइम आता है प्राइमेज, अब ये प्राइमेज क्या करता है, ये दोनों तरफ से प्राइमेज आरएनए का एक ऐसा मतलब क्या बताऊं, प्राइमेज आएगा एक बेसिक पहला पार्ट बना के देगा, ऐसा मान लो यहाँ पर थोड़ा इस तरह बना दिया, इस तरफ से इधर बना दिया टूवर्ड्स रेप्लिकेटिंग फॉर्क, है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और ये रेप्लिकेट करता चलेगा, तो ये रेप्लिकेट ऐसे करता चलेगा इधर से, एंड इधर से भी ये रेप्लिकेट करता चलेगा, तो दो स्ट्रैंड हमको मिलेंगे जो टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क होगा, एक अवे द रेप्लिकेशन फॉर्क होगा। अब जो टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, आप खुद से ही देखो ना ये रेप्लिकेशन फॉर्क हर वक्त खुल रहा है, हेलिकेज एंजाइम इसको खुले जा रहा है, इधर से खोले जाएगा, इधर से खोले जाएगा हेलिकेज के द्वारा, तो ये हर वक्त ऐसे बढ़ता जाएगा ना, ये हर वक्त ऐसे बढ़ता जाएगा, तो जो ये लैगिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड जो रेप्लिकेशन फॉर्क के द्वारा है ये तो हमेशा बढ़ता जाएगा, लेकिन ये जो हमारा जो रेप्लिकेशन फॉर्क से अवे है ये देखो हर वक्त नए नए बन रहा होगा, तो एक देखो कंटिन्यूअस चल रहा है जो लीडिंग स्ट्रैंड होगा, एक तोड़ तोड़ के चल रहा है, तो जितना खुलेगा उतना बनेगा, जितना खुलेगा उतना बनेगा, तो द स्ट्रैंड दैट इज टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क दैट इज द दैट इज बताओ वो क्या है, वो आपका होगा लीडिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकंटिन्यूअस है वो क्या होगा लैगिंग स्ट्रैंड। ओके ऐसा करके आप देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इतना डीएनए रेप्लिकेशन का मैंने ब्रीफ आइडिया आपको दिया, ओके आई होप इट्स अंडरस्टूडेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। देखो डीएनए से डीएनए तो बन गया, लेकिन डीएनए से आरएनए बन रहा है, पता है कि जो जब भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो डीएनए से आरएनए के फॉर्म में जाता है, तो ये कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ चीजें समझना इंपॉर्टेंट है कि डीएनए में हर जगह ऐसे रैंडमली ये खुद से ट्रांसक्रिप्ट नहीं करने लगता है ना, इसके लिए कुछ चीजें होते हैं। लाइक अगर आप ध्यान से देखोगे तो डीएनए में कुछ पार्ट आता है, ये वाला यहाँ देखो, ये वाला पार्ट देखो, इसमें कुछ पार्ट होता है, लाइक देयर इज अ प्रोमोटर, है ना, फिर एक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, फिर टर्मिनेटर। तो प्रोमोटर वो वाला पार्ट है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, एंड स्ट्रक्चरल जीन वो वाला पार्ट है जिसमें दो स्ट्रैंड जो है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड एक कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करता है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, ये काम करेगा टेम्पलेट की तरह, तो इस पे कॉम्प्लीमेंट्री एक बनेगा इसका आरएनए, है ना, अकॉर्डिंग टू दैट। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये देखो इस कोडिंग से मिलेगा ना, बहुत ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री, ये देखो ये टेम्परल का सॉरी टेम्पलेट का कोडिंग जो है ये दोनों खुद में ही आपस में क्या है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, तो ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, तो नया बन रहा है और जो पहले से कोडिंग वाला है, तो इसलिए इसका नाम कोडिंग है, क्योंकि कोडिंग वाला स्ट्रैंड ये नया जो स्ट्रैंड बना है इसका सिमिलर होता है, ठीक है। अब सिमिलर एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि ये आरएनए है, इसमें थायमिन की जगह क्या होगा बताओ, इसमें थायमिन की जगह होगा यूरासिल, ठीक है। तो एंड यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, एक होता है प्रोमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, एक होता है टर्मिनेटर। प्रोमोटर पे आके जब जुड़ेगा प्रोमोटर में तब शुरू होगा, फिर थ्रू आउट द स्ट्रक्चरल जीन ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को फॉलो करके आरएनए बनाएगा जो कि कोडिंग स्ट्रैंड की तरह होगा, एक्सेप्ट द थायमिन की तरह यूरेसिल होगा, एंड जब टाइम थायमिन टर्मिनेटर आएगा तब अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा। ओके अब क्लियर। अब कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अब ये जो नया डीएनए बनेगा ना आरएनए में, नया आरएनए बनेगा
ठीक है, डीएनए जो, सॉरी, जो डीएनए था, ये डीएनए के हर पार्ट्स तो नहीं बनेगा। आप देखोगे कि डीएनए कुछ पार्ट तो जो एक्सप्रेस करते हैं, कुछ पार्ट जो नहीं एक्सप्रेस करता। जो पार्ट एक्सप्रेस करता है वही बनाएगा ना तुम्हारा जीन, वही तुम्हारा आरएनए बनाएगा। तो जो पार्ट एक्सप्रेस करेगा उसको हम कहेंगे, जो एक्सप्रेस कर रहा है टू एक्स एक्सप्रेस, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सो, है ना। जो नहीं कर रहा है थोड़ा इंट्रोवर्ट है, उसका नाम हो गया इंट्रो। ओके चलो, आप क्लियर, इट इज क्लियर है ना। तो ये हो गया एक्सॉन और इंट्रॉन, ठीक है। चल नेक्स्ट इज टाइप ऑफ आरएनए। ये ट्रांसक्रिप्शन का बदल में बताया, देखो ये प्रोमोटर, प्रोमोटर में आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, जिसमें सिग्मा फैक्टर जो इसको एक्टिवेट करेगा, फिर थ्रू आउट द ये स्ट्रक्चरल जीन तक ये रेप्लिकेट करेगा, अल्टीमेटली टर्मिनेट पर रो फैक्टर आएगा, तो आरएनए पॉलीमरेज स्किप जाएगा। दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, दैट इज इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। ओके, एंड देयर आर, इसमें ना बहुत से आरएनए। अब आरएनए कौन सा बनेगा, तो टाइप ऑफ आरएनए जानना भी इम्पोर्टेंट है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज एमआरएनए, टीआरएनए, है ना। इसमें क्या, कौन सा आरएनए बताओ। एमआरएनए होता है, ठीक है, एक आएगा टीआरएनए, एक आएगा आरआरएनए, एक आएगा एचएनआरएनए। अब ये चीजें क्या होता है, देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ। चलो ना बेसिक, आई होप क्लियर। देखो क्या है आरएनए के टाइप्स, तो पहली चीज है टीआरएनए। व्हाट इज टीआरएनए, टीआरएनए इसे क्यों कहते हैं हम लोग, ऐसे तो नहीं कहते होंगे ना। टीआरएनए, टीआरएनए हम इसलिए कहते हैं, इट इज ट्रांसफर आरएनए। तो एक आरएनए होता है जो कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो क्लोवर लीफ मॉडल 2D में, और 3D में इन्वर्टेड एल जैसा होगा, है ना, कुछ इस तरीके का होता है। ये पैटर्न वगैरह देखोगे, इसमें कुछ लूप्स होते हैं, है ना, एंड एक वेरिएबल लूप भी होता है इसमें, कुछ भी सकता है। तो ये टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए इज जो ट्रांसफर करता होगा एमिनो एसिड का, ट्रांसलेशन प्रोसेस में आपको डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रोटीन बनता है आरएनए, तो ये एमिनो एसिड का कौन कैरी करता है, टीआरएनए। फिर ये जो आरएनए जो हमारे क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन में बना, वो कौन सा आरएनए है, कौन सा आरएनए है जो डीएनए से डायरेक्टली बन रहा है, दैट इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो जब ट्रांसलेशन होगा तब ये राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम में ये टीआरएनए एमआरएनए के कोडोन को पढ़ेगा, तीन तीन के कोडोन को बेस को पढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू दैट ये एमिनो एसिड लाएगा, ठीक है। ये हो गया टीआरएनए, ये हो गया एमआरएनए। फिर जो वाला पार्ट राइबोसोम बनाता होगा, राइबोसोम के दो पार्ट आप देखोगे, राइबोसोम वाला पार्ट जो बनाता है दैट इज आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एंड वन मोर आरएनए इज देयर, दैट इज एचएनआरएनए। एचएनआरएनए क्या है, ये है हेटरोन्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए क्या है, एचएनआरएनए इज नथिंग बट प्रिमिटिव एमआरएनए। जब एमआरएनए, मैंने आपको बताया ना एमआरएनए बन रहा था, तो एमआरएनए फुल्ली प्रोसेस नहीं था, इसमें कुछ पार्ट ऐसे थे जो एक्सप्रेस कर रहेंगे, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो जो वाला पार्ट एक्सप्रेस नहीं करेगा उस पर अल्टीमेटली हम काट देंगे ना, एंड सॉरी वो डीएनए में था। जब आरएनए बना तो आरएनए में क्या था ना, कि इसमें कुछ चीजें बने होंगे, जैसे 3 प्राइम में कुछ चीजें प्राइमर जुड़ता होगा, यहाँ पर पॉली ए टेल आप देखो, जैसे एक टेल बनता है, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव आरएनए कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। प्रिमिटिव आरएनए है ना, इसमें कुछ पॉली ए टेल होंगे, इसमें कुछ इनिशिएटर वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो इन सबको काट के अल्टीमेटली जो प्रोसेस्ड आरएनए मिलता है दैट इज हमारा एमआरएनए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस नहीं है एमआरएनए का, जो प्रिमिटिव पार्ट है दैट इज किचन आरएनए। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज जेनेटिक कोड, हम डिस्क्राइब करेंगे। जो एमआरएनए में ये जो थ्री थ्री वाला पार्ट होता है ना, तीन तीन के जो बेस होते हैं, ये कोडोन की तरह काम करता है, तीन वाला नहीं, चार नहीं, चार नहीं, तीन वाला, ठीक। ओके, ये तीन क्या करेंगे, तीन मिलके एक अमीनो एसिड, फिर और तीन मिलके उसको रीड करेगा टीआर एमआरएनए, और टीआरएनए उसको अकॉर्डिंग टू द अमीनो एसिड लाएगा और एक बनता जाएगा। तो ये हमें पहले लगता था कि कितना ज्यादा, फिर जेनेटिक कोडोन्स के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, लाइक दे आर रीजेनरेट, ठीक है, दे आर ट्रिपलेट्स, दे आर यूनिवर्सल, दो फंक्शन होते हैं, लाइक मिथियोनिन जो इनिशिएटर की तरह भी काम करता है, कुछ टर्मिनेटर्स होते हैं, यूए, यूएजी, यूजीए, ठीक है। ये कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फैशन में होता है, ठीक है, कोई पंक्चुएशन वगैरह नहीं है, ऐसा है कि मान लो ए ए ए, ऐसे देखो ये वाला पार्ट, ये देखो ये एयूजी यूयू, तो एयूजी ये कोडॉन, यूयूयू ये ट्रिपलेट, है ना, ये कंटिन्यूअस है। देखो ऐसा नहीं है आप एयूजी फिर यू छोड़ दिया फिर यूयूयू, ऐसा नहीं होगा। तो अगर कुछ भी इनमें चेंजेस आता है ना, मान लो कि इसमें
चेंजेस आके यहाँ पर अगर एक यू इंस्टॉल हो गया ना, तो देखो पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। तो इससे म्यूटेशन आते हैं, इससे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेंडशिप म्यूटेशन, ठीक है ना, दैट विल आल्सो बी डिस्कस। तो म्यूटेशन देखो मैंने जैसे बताया कि आप देखो ये मान लो एक एक कोडोन है, राम हैज रेड कैप, अगर ये कोडोन है कंटिन्यूअस है, तो अगर मैं इसमें एक भी चेंज करता हूँ ना, बी लाया मैंने, देखो इसके बाद वाला पूरा चेंज हो गया, बी आर आ गया, डी सी बी, तो अलग अलग प्रोटीन्स आने लगेंगे। फिर दूसरा आया, फिर से अलग है, लेकिन तीसरा आया तो देखो ये वाला भी सेम रहेगा, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस बीच में एक नया आ गया। तो ये जो पार्ट्स है ये चेंजेस कर रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन फ्रेंडशिप, लेकिन इसमें फ्रेंडशिप नहीं हो रहा है, इसमें एक नया प्रोटीन आ रहा है बस, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तीन जब हम ला रहे हो तो वो नॉनसेंस म्यूटेशन बन जाता है, उससे कुछ फर्क ज्यादा पड़ता है नहीं। जब मैं आपको टी आर एन एडेप्टर मॉलिक्यूल, इसमें एक एंटीकोडन पार्ट होता है जो एम आर एन ए के कोडन वाला पार्ट को लीड करेगा, एंड एफोडिन टू दैट, एंड उसके और एक पार्ट होता है जो एमिनो एसिड को कैरी करके लाएगा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस यही है कि एम आर एन ए राइबोसोम में जाता है, राइबोसोम स्मॉलर यूनिट इसको रीड करता है, लार्जर यूनिट में टीआरएनए अकॉर्डिंग टू योर, है ना, पहले प्रोमोटर को रीड करेगा, तो पहले मिथियोनिन आएगा, क्योंकि पहला स्टार्टिंग कोडन क्या है बताओ, ए यू टी, इसका इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब इस एंटीकोडन के अकॉर्डिंग कौन सा अमीनो एसिड रहेगा, मिथियोनिन, फिर मिथियोनिन बनेगा, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, हर एक स्टेप में टीआरएनए अमीनो एसिड रीड करता जाएगा एंटीकोडन कॉन्सेंट्रेशन में 5-3- एंड ये बनाता जाएगा, ठीक है। चलो देन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में आपका ना, हर एक स्टेप में रेगुलेट भी होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में जब डीएनए से आरएनए बन रहा था वहां भी हम रेगुलेट कर सकते हैं, जब आरएनए का मैंने बताया ना एचएन आरएनए से जब टीआरएनए एमआरएनए बन रहा है, स्प्लाइसिंग वगैरह के प्रोसेस है वहां पर भी आप रेगुलेट कर सकते हो, फिर एमआरएनए जब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म आ रहा है वहां भी कंट्रोल कर सकते हो, फिर जब आरएनए से प्रोटीन बन रहा है अल्टीमेटली तो यहां भी कंट्रोल कर सकते हो। This is translation level, 4 levels, that's all described here. Then last is human genome project. What is human genome project? One more thing is the lack regulation में word है lack operon. ठीक है, हम lack operon को discuss करेंगे, इसमें question है, ठीक है, मैं वहाँ पर आपको अच्छे से बता दूंगा ये बात, ठीक है, चलो। And human genome project ये एक mega project है, इसमें कुछ goals थे कि हमें पूरा human DNA को हमने identify किया, कुछ इसके genes, हमने कुछ 3 billion के आसपास chemical bases को identify किया जो DNA बनाता होगा, सारे information को database में store करना, फिर उनके लिए pool बनाना, है ना, उनको फिर ethical, legal and social issue वगैरह जो आते थे उनको address करना, फिर इन जो चीजें हमें डाटा जो मिला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से इनको फिर यूज करना है इंडस्ट्रीज में, ताकि हम और ज्यादा, है ना, जैसे कि बहुत से जो जेनेटिक डिजीजेस हैं उनके वैक्सीन वगैरह, फिर कुछ अदर देन ह्यूमन हमने बहुत से एनिमल्स के भी है ना उनका भी डीएनए अच्छे से आइडेंटिफाई किया, उनका डीएनए वगैरह उनका जीनोम भी बनाया, तो वहां से हम उनके लिए भी उनके अकॉर्डिंग वैक्सीन वगैरह, फिर कुछ यूजफुल चीजें, कॉमर्शियल चीजें भी हमने यूज किया। दिस इज अ वेरी मेगा प्रोजेक्ट जिसमें अप्रोक्सीमेटली 3×10⁻⁹ बेस पर ह्यूमन जीनोम आपको पता होगा इतना है, अगर हर एक जीनोम के लिए अप्रोक्सीमेटली $3 खर्च हुए ना, तो भी $9 billion खर्च हुए थे। और अगर आप इसका और एक साइड ये भी सोचो, अगर आप 100,000 पेज वाला, है ना, 1,000 पेज वाला, हर एक पेज में 1,000 लेटर है, ऐसा अगर कोई बुक ले रहा ना, तो भी आपको 3 and 3, है ना, मतलब 3,300 बुक्स आपको चाहिए, इतना ज्यादा ये तो इंफॉर्मेशन है ना ह्यूमन जीनोम वाला। तो आप सोचो ये एनॉर्मस, मतलब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना, इसके लिए हमें अलग से एक हाईली इम्प्रूव्ड कंप्यूटर वगैरह चाहिए, टूल्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर एक नया एरिया इन बायोलॉजी आया, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, हम डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में भी। एंड मेथोडोलॉजीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कैसे हमने एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, हमने टैग बनाया, फिर सीक्वेंस एनोटेशन हमने देखे कि कौन कौन सा पार्ट कॉमन है, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर उनको लिंक किया। पहले हमने क्या किया, हर एक पार्ट कोडन है ना, अकॉर्डिंग टू दैट फ्रेडरिक शेंगर ने क्या किया था, एक उन्होंने फ्रेडरिक शेंगर का एक था, क्या बताओ, उनके प्रोटीन के लिए जैसे प्रोटीन सीक्वेंसर था वैसे डीएनए सीक्वेंसर भी था, तो हमने वहां से हर एक फ्रेगमेंट को पहले आइडेंटिफाई किया, देन अगर हमने फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया था फिर हम उनको कैसे जोड़े, तो उसके लिए सीक्वेंस एनोटेशन इंपॉर्टेंट है, अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंसेस, है ना, तो ओवरलैपिंग रीजन को हम आइडेंटिफाई करते थे, फिर ओवरलैपिंग आइडेंटिफाई करने के बाद हमें अलाइनमेंट करते थे, तो वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें कंप्यूटर वगैरह सब डेवलप करना पड़ा, ठीक है ना। तो पहली बार मई 2006 में ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था क्रोमोसोम 1 का, है ना, एंड सारे 24 क्रोमोसोम्स के
देखो द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम वाज कंप्लीटेड बाय मे 2006, ये वाला लास्ट क्रोमोसोम था है ना, हमारे जितने भी क्रोमोसोम सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था, क्रोमोसोम वन, तो मे 2006 में कंप्लीट हुआ। शुरू कब हुआ था बताओ, एजीपी, एजीपी हमने शुरू किया था अप्रोक्सीमेटली इन कौन से ईयर में शुरू किया था, 19 बता, हमने 1990 में शुरू किया और ये 13 ईयर का प्रोजेक्ट था जो 2003 में आके कंप्लीट हुआ। इसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड बहुत से ऐसे कंट्रीब्यूशन, बहुत से कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया, वेलकम ट्रस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, बहुत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी न्यूट्रिशन, तो मान सकते एक मेगा प्रोजेक्ट है ना। अल्टीमेटली ये कंप्लीट हुआ एट द एंड ऑफ 2003, ये सेलियंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हमने हमने ह्यूमन जीनोम को जब पूरा प्रोजेक्ट आया तो उसके से हम कुछ हमने फीचर्स मिला ना ह्यूमन जीनोम के, कि हाँ ह्यूमन जीनोम में 3 मिलियन के आसपास बेस पेयर है, कितने बेसिस है, कितने जीन्स है, तो 30,000 जीन्स आर देयर, अप्रोक्सीमेटली 13,000 जीन्स आर देयर, हर एक जीन में अप्रोक्सीमेटली 80 है ना, और हम मानते थे कि यार 80 से 180,000 से है ना, 80 के से 1.4 लाख होगा शायद, लेकिन हमें मिला कितना 30,000। फिर हमने देखा कि यार हर एक जीन में 3,000 बेस होता है एंड सबसे लंबा जो जीन है वो डिस्ट्रोफिन है जिसमें 2.4 मिलियन बेस। ये हर एक एमसीक्यू का सवाल है, जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स है ना, हर एक से एमसीक्यू बन सकता है, हर एक से कितना मिलियन बेस पेयर है ह्यूमन जीनोम में, कितने बेसेस जीन में होता है, लार्जेस्ट जीन कौन सा है, हमारे बॉडी में कितने सारे जीन्स है। फिर हमें ये पता चला कि हर एक जीन का फंक्शन हम आइडेंटिफाई नहीं करते, फंक्शन ऑफ अननोन फॉर 50%, जितने भी जीन है ना 50% का फंक्शन नहीं पता, ठीक है। फिर लेस देन 2% ऐसे हैं जो प्रोटीन को कोड करते हैं, बाकी कोई फंक्शन अभी तक पता नहीं चला। फिर कुछ रिपीटेड सीक्वेंस हमें देखे जो लार्ज प्रोपोर्शन में, ये बाद में जाके हमारे बेस ऑफ ह्यूमन फिंगरप्रिंटिंग बना, ठीक है। फिर हमने देखा क्रोमोसोम वन के पास सबसे ज्यादा जीन है, क्रोमोसोम वाई के पास सबसे कम, ये सबसे छोटा है ना। साइंटिस्ट ने फिर और भी चीजें डिस्कवर किया, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसने देखा कि ह्यूमन में बहुत सी जगह ऐसा है बस एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से वहां पर चेंजेस आ गए। मान लो ऐसा है कि ए टी सी जी ऐसा है ना, कुछ कुछ पार्ट में एक चेंज हो गया, ये टी के जगह यू आ गया, इसे कहते हैं सीक्वेंशियल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज है। तो ये ऐसा देखा गया कि 1.4 मिलियन ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर बस एक बेस पेयर का डिफरेंस है, इसे कहते हैं सीक्वेंशियल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ये इन्फॉर्मेशन हमसे ये पता चलता है कि यार क्रोमोसोम के लोकेशन क्या है, देन इससे बहुत से हमें ये भी डिजीज के कंडीशन पता चले, हमें ह्यूमन का हिस्ट्री कैसे ये एंसियंट एंसियंट एनिमल से कनेक्टेड है, तो इवोल्यूशन कनेक्शन भी हमें मिला, ओके। एंड देन इसके एप्लीकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो ये भी है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हमने ये देखा कि डीएनए में कुछ कुछ पार्ट्स रिपीट होते हैं है ना, रिपीटेड डीएनए है ना, तो ये जो रिपीटेड डीएनए है ये क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है ना तो वो एक बल्क बनाएगा, जब सेंट्रीफ्यूज करोगे तो वो सैटेलाइट डीएनए होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने जब इसको एक पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है डीएनए का, इसको जब यूज किया तो हमें देखा कि यार जो करेक्टेड है ना, जो मान लो पेरेंटल है, जो पेरेंटल डीएनए है वो अपने डॉटर के डीएनए से बहुत ज्यादा ये पॉलीमॉर्फिज्म का पैटर्न फॉलो करते हैं, कंप्लीटली ना हो लेकिन फॉलो करता हो, तो हमें इससे फायदा मिला है ना, तो कि हम आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है ना। एंड हमने कौन कौन सी चीजें देखा, जैसे मैंने आपको देखो ये स्टेप्स है इसका, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहले डीएनए को अलग करो, डीएनए को अलग करने के बाद उसको डाइजेस्ट करना, इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह करना, ट्रांसफरिंग, ब्लॉटिंग, ठीक है, देन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हमने जब ऑटो रेडियोग्राफी किया तो कुछ इस तरह के पैटर्न आने लगे। अब देखो यहाँ पर दो पैटर्न आया ना, अब बताओ मुझे ये वाला हमारा सस्पेक्ट है, ये सस्पेक्टेड डीएनए, ये आपके पास इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल बी है, किससे पैटर्न ज्यादा फॉलो करता है, इंडिविजुअल बी से, तो आप बता दिए क्या इंडिविजुअल बी है। तो ऐसे करके फॉरेंसिक में, पेरेंटल वगैरह में बहुत ज्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज होगा, ठीक है। ये स्टेप्स वगैरह भी इनसाइट से पढ़ लेना, दैट वॉज द ब्रीफ अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको क्या बताया कि क्या क्या चीज हमने डिस्क्राइब किया, वट इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी, आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन, उसमें लैकोपेरॉन एंड जेनेटिक जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम अभी डिस्कस करेंगे ना, वो अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्क्राइब करते हैं, चलो ठीक है। अब इतना क्लियर है, बाकी जितना भी रह गया ना मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह के थ्रू वो रिवाइज करा दूं, ठीक है। तो पहली चीज देखो, पहला क्वेश्चन है,
ग्रुप द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स, मतलब इसमें कुछ प्रोवाइडेड किया गया है आपको, एडिनिन, साइटिडिन, थाइमिन, गुआनोसिन, यूरासिल, साइटोसिन। अब बताओ इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस है, कौन सा न्यूक्लियोसाइड्स। तो मैं पहले आपको कुछ चीजें और डिस्क्राइब करता हूँ, है ना, जो आपके लिए और फायदेमंद होगा। वो ये है कि देखो, एकदम शुरू करते हैं। देखो डीएनए में ना, डीएनए या कोई भी जो मैं बात कर रहा हूँ जेनेटिक मैटर मतलब न्यूक्लिक एसिड का, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीजें आती हैं देखो अच्छे से, ठीक है ना। एक इसमें आएगा, थ्री कंपोनेंट है इसके। मैं अगर न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताऊं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो इसमें थ्री पार्ट्स है। क्या थ्री पार्ट्स है बताओ मुझे। पहली चीज इसमें आएगा शुगर, फिर नाइट्रोजन बेस, फिर फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो अब ये समझो, ये जो शुगर है ये डीएनए में क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस। ये डीऑक्सीराइबोस भी हो सकता है, ये राइबोस भी हो सकता है। अगर राइबोस हुआ तो आर एन ए, डीऑक्सीराइबोस हुआ तो डी एन ए। नाइट्रोजन बेसिस क्या क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन बेसिस आपके पास जो होता है बेसिकली मैं डिस्क्राइब करूँ, ये दो दो टाइप के होते हैं ना मेनली। तो वो के क्या क्या होते हैं, एक है हमारे पास प्यूरीन, 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 पिरिमिडिन, पिरिमिडिन। तो प्यूरीन, प्यूरीन ऐसे क्या याद कर सकते हो, प्यूरीन प्योर, तो क्या क्या चीजें प्योर है, आग मतलब प्योर है ना, आग, फायर, फायर प्योर है ना, आग, तो आग प्योर होता है। तो वहां से ऐसे याद रख सकते कि आग जो है ये प्योर है, तो ए एन जी, ए प्योर है, एडिनिन गुआनिन दिस आर प्योरिन। एंड बाकी तो रह गए, वो क्या होंगे फिर बताओ, अगर प्योरिन नहीं है तो वो क्या होंगे, वो होंगे पिरिमिडिन, लाइक आपके पास है साइटोसिन, आपके पास है थाइमिन, आपको ऐसे यूरासिल। अब ये थायमिन और यूरासिल जो है ये अल्टरनेटिव है, मतलब थायमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में, यूरासिल प्रेजेंट है आरएनए। चल क्लियर, ये हो गया नाइट्रोजन बेसिस। अब फॉस्फेट ग्रुप, अब देखो यहां से चीजें कॉम्बिनेशन में लगता है। देखो पहली चीज, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ना, ये डीएनए का ऐसा स्ट्रैंड है ना, ऐसा स्ट्रैंड है ना डीएनए का, तो डीएनए स्ट्रैंड है और बीच बीच में ये नाइट्रोजन बेस में से चुनी हुई, ऐसे चुनाव, ऐसे चुनाव, कंप्लीमेंट्री है, तो दोनों बेस पेयरिंग करना था, ठीक है। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ये जो हमारा स्टैंड है ना, ये जो हमारा देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना स्टैंड, जो बेसिकली ये जो बना रहा है स्टैंड, तो ये कौन बना रहा है बताओ, ये जो हमारे दोनों स्टैंड ये कौन बना रहा है, तो ये कौन बनाता है, ये बनाता है बेसिकली कौन, शुगर एलोंग विथ फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर शुगर है, ये एक शुगर है, ठीक है, शुगर थ्रू फॉस्फेट बॉन्ड और एक शुगर से जुड़ा हुआ है, और एक शुगर है, ये शुगर शुगर किससे जुड़े हैं बताओ, मैंने बताया ना अभी, शुगर शुगर बीच में ये फॉस्फेट बॉन्ड है, तो शुगर और फॉस्फेट मिलकर ये बॉन्ड वगैरह बनाते हैं। आपके लिए क्या समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जो शुगर है इस शुगर से क्या जुड़ा हुआ है, पर इस शुगर से यहाँ पर जो चीज जुड़ा हुआ है वो है नाइट्रोजन बेस, ये एक नाइट्रोजन बेस, ये एक नाइट्रोजन बेस, यहाँ से मान लो एडिनिन है, यहाँ से थायमिन है, इनके बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, यहाँ ये अगर गुआनिन है, ये अगर साइटोसिन है, इनके बीच में बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा बेस पेयरिंग किसके बीच में हो रहा है, नाइट्रोजन बेस के बीच में। अब जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको वो ये है कि शुगर एंड नाइट्रोजन बेस ये दोनों मिला के एक चीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज है ना, न्यूक्लियोसाइडेज। अब न्यूक्लियोसाइडेज जब फॉस्फेट से जुड़ेगा तब बनेगा न्यूक्लियोटाइडेज, में लिख देता हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियो, न्यूक्लियो, अच्छा नहीं बन रहा, पेन से लिख देते हैं, है ना। देखो तो क्या बताया मैंने, अब बताओ न्यूक्लियो साइडेज है ना, न्यूक्लियो साइडेज,
अब न्यूक्लियोसाइड्स के साथ जब हमने बनाया फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया तो क्या बना, तो हमें बना मिला न्यूक्लियोटाइडेज। क्लियर? तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स इज नथिंग बट आपके फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ओके, न्यूक्लियोटाइडेस क्या है बताओ? न्यूक्लियोटाइडेस है तो क्या हुआ कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज न्यूक्लियोसाइडेस एंड न्यूक्लियोसाइडेस प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइडेस। अब इट्स क्लियर। अब जो न्यूक्लियोसाइडेस है, कौन कौन सा न्यूक्लियोसाइडेस होता है आप खुद ही देखो। अगर राइबोस के साथ एडिनिन जुड़ेगा तो जो न्यूक्लियोसाइडेस बनता है उसको हम क्या कहेंगे, एडिनोसिन। जो गुआनिन के साथ होगा उसको क्या कहेंगे, गुआनोसिन। जो साइटोसिन के साथ बनेगा साइटेडिन, है ना। यूरासिल के साथ बनेगा यूरीडीन, ये याद रख लेना। अब जो ये राइबोस के लिए था, अब डीऑक्सी होगा तो पहले डीऑक्सी जोड़ देना, वैसे डीऑक्सीराइबोस प्लस एडिनिन तो डीऑक्सीराइबोसिन, है ना। डीऑक्सी एडिनोसिन, तो अगर डीऑक्सीराइबोस प्लस गुआनिन है तो डीऑक्सी गुआनोसिन, अगर साइटोसिन है तो डीऑक्सी साइटेडिन, अगर राइथायमिन है तो डीऑक्सी थायमिडिन, है ना। क्लियर है ना, आसान है ना। चलो तो फिर खुद ही देखो इसमें से कौन कौन सा नाइट्रोजन बेसिस है। ये एडिनिन क्या है, नाइट्रोजन बेस। थायमिन क्या है, नाइट्रोजन बेस। यूरेसिल क्या है, नाइट्रोजन बेस। साइटोसिन क्या है, नाइट्रोजन बेस। अब कौन कौन से हमारे निकले बताओ, न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन होगा फिर। साइटिडिन ने बता ना, साइटोसिन प्लस अगर आप राइबोस जोड़ोगे तो साइटिजिन बनेगा, एंड गुआनिन प्लस अगर आप गुआनिन प्लस राइबोस बनाते तो क्या बनेगा, गुआनोसिन, है ना। और भी आ सकते हैं यहाँ पर एडिनोसिन, और भी आ सकते हैं थाइमिडिन। बताओ अगर एडिनिन होता तो क्या होता, एडिनोसिन। अगर थाइमिन होता तो क्या होता, थाइमिडिन। अगर यूरेसिल होता क्या होता, यूरिडिन। साइटोसिन होता क्या होता, साइटिडिन, ऑलरेडी गिवन है ना। तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन, ठीक है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइडेस। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाए ना, व्हिच आर द नाइट्रोजन बेसिस एंड व्हिच आर द न्यूक्लियोसाइडेस। तो मैंने जो ग्रीन ग्रीन कलर में लिखा है वो न्यूक्लियो, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये वाला है न्यूक्लियोसाइडेस, और जो वाला मैंने येलो में पार्ट मार्क किया है, दिस आर ऑल नाइट्रोजन बेसिस। क्लियर ना। चलो और आपको न्यूक्लियोटाइडेस पूछते थे क्या होता था, न्यूक्लियोटाइडेस होगा तो खुद ही बताओ न्यूक्लियोटाइडेस में क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए ना, एसिड वाला पार्ट जुड़ना चाहिए बस। तो क्या होगा, एडिनिन हो गया, एडिनिन हो गया। अब क्या हो गया, एडिनाइलिक एसिड, है ना। ऐसे करके अब रिसोर्सेस करो, डीऑक्सीएडिनिक एडिनाइलिक एसिड, ठीक है, तो होगा न्यूक्लियोटाइडेस में। ओके चलो, अब आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये हमने डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब कर लिया, नाइट्रोजन बेस के बारे में बात कर लिया, न्यूक्लियोसाइड्स बता दिया, न्यूक्लियोटाइड्स बताया। अब जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम ये डिस्कस करते हैं, इफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% साइटोसिन। सेकंड क्वेश्चन, इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडिनिन इन द डीएनए। अब इससे समझाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए होगा वो पहली चीज ये आप समझो, डीएनए वर्सन किट ने क्या बताया, वर्सन किट ने कॉम्प्लीमेंट्री बताया, तो वो ये कंक्लूशन में किससे आए थे, वो ये कंक्लूशन में कुछ चीजें था जो जिन्होंने उनको ये कंक्लूशन दिया। पहली रोजालिन फ्रैंकलिन का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आप डिस्क्राइब करोगे, उसमें उन्होंने कुछ एस इस टाइप का पैटर्न देखा था, इस टाइप का कुछ पैटर्न देखा था, उन्होंने इस टाइप कुछ पैटर्न देखा था इस टाइप का, ठीक है। तो वहां से कॉम्प्लीमेंट्री का ध्यान आया। फिर चारगफ का एक रूल है, चारगफ रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू चारगफ रूल डीएनए मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू हैव एन इक्वल रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। मतलब ये है कि जितने अमाउंट में हमारे पास एडिनिन होगा, सॉरी 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 सॉरी, जितने अमाउंट में हमारे पास एडिनिन होगा इक्वल अमाउंट में हमारे पास कौन होगा, थायमिन, क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए। खुद ही सोचो ना, जितने एडिनिन होंगे उतने डीएनए थायमिन होगा, एंड जितने गुआनिन होगा उतने ही साइटोसिन भी होगा। ये इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसके कंपोजिशन सेम है। तो मैं परसेंटेज के बारे में बताऊं तो परसेंटेज ये दोनों के सेम होंगे, या फिर परसेंटेज या कॉन्सेंट्रेशन दोनों के सेम होंगे। तो जितना परसेंट एडिनिन का है उतना परसेंटेज थायमिन का होगा, जितना परसेंटेज साइटोसिन का है उतना परसेंटेज गुआनिन का भी होगा। तो अब इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करो, चारगफ सूत्र समझ में आ गया ना आपको। चारगफ सूत्र के और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। चारगफ सूत्र बस यही नहीं बताते कि एडिनिन एंड थायमिन सेम है, चारगफ की कुछ और भी चीजें हैं। जैसे चारगफ सूत्र में हमें ये पता चलता है कि
अमाउंट ऑफ यूरिन इज अमाउंट ऑफ यूरिन, ये तो आपको पता है, ये तो क्या बताऊं, ये आपको अच्छे से पता है, चार दो से मुझे और भी डिस्कस करना चाहता है। अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन, ये आपको पता चल गया ना। तो अभी खुद से देखो, अगर एडिनिन थायमिन के इक्वल है, गुआनिन साइटोसिन के इक्वल है, तो अब खुद से कंक्लूजन लगाओ ना, जो एडिनिन प्लस गुआनिन होंगे, एडिनिन प्लस गुआनिन होगा वो तो इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन होगा ना। खुद ही देखो, एडिनिन थायमिन के इक्वल है, गुआनिन साइटोसिन के इक्वल है, तो एडिनिन प्लस गुआनिन साइटोसिन, तो ये कंक्लूजन में क्या बोल सकता हूँ, एडिनिन प्लस गुआनिन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन, क्लियर है ना। तो ये चारगप्स का पहला फॉर्मूला है। चारगप्स नेक्स्ट में ये कहता है कि अमाउंट ऑफ शुगर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फॉस्फेट, जितने शुगर है उतने फॉस्फेट भी होगा। ये कुछ बेसिक से चार चीजें उन्होंने डिस्क्राइब, चारगप्स की चीजें, पहले एडिनिन के थायमिन के इक्वल होगा, गुआनिन साइटोसिन के इक्वल होगा, देन नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन, एंड लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ शुगर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फॉस्फेट। चलो इस क्वेश्चन में हम क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में आप खुद ही देखो क्या क्या डाटा गिवन है आपको, एक ही डाटा गिवन है और एक से एक ही काफी है हमारे लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कितने बताओ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को मैं मानता हूँ कि ये कुछ वेट कर दो उसके, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होगा बताओ, बेस पेयर, बेस अगर बताऊँ टोटल नंबर बेस पेयर कितने होंगे, 100% है ना, टोटल नंबर कितना होगा 100%। अब इस 100% में से आपने खुद ही बता दिया, आंसर में बता दिया साइटोसिन कितना है 20% क्या है साइटोसिन, तो साइटोसिन 20 है, साइटोसिन के इक्वल कौन होता है अभी बताया था, साइटोसिन की कौन सा, इसके कौन मैटर होता है गुआनिन, तो उसके इक्वल कौन होगा गुआनिन, तो हमें गुआनिन का वैल्यू भी पता चल गया, साइटोसिन गुआनिन इज इक्वल टू 20%, दोनों 20 है। अब मैंने आपको बताया था कि एडिनिन प्लस थायमिन, सॉरी एडिनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन, ये भी एक कंक्लूजन है। और कंक्लूजन खुद भी सोचो कि साइटोसिन और गुआनिन 20% हो गया दोनों का, ठीक है, तो अभी बचा कितना, साइटोसिन प्लस प्लस गुआनिन, ये वैल्यू कितना आया बताओ, 20 + 20 कितना हुआ, दैट इज 40% ना, 20 + 20 इज इक्वल टू 40%। तो अगर ये 40% रह गया है तो अभी बचा कितना, 100 में से 40% चला गया, तो एडिनिन प्लस थायमिन दैट विल बी इक्वल टू 100 - 40 ना, तो 100 - 40 कितना होगा, 100 - 40 इज इक्वल टू 60 हो गया, 100 + 60। अब हमें चार गप सूत्र से क्या पता है, चार गप सूत्र ने क्या बताया हमें, एडिनिन इज एग्जैक्टली इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन हियर ना, अरे एडिनिन और थायमिन दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों मिला के 60 है, तो खुद ही सोचो ना, एडिनिन प्लस थायमिन, तो मैं थायमिन की जगह एडिनिन लिख दूं, तो 2a इज इक्वल टू 60, तो a का वैल्यू यहां से बताओ कितना आएगा, a का वैल्यू यहां से आपको पता चलेगा ना 30, तो एडिनिन 30 है, थायमिन भी कितना होगा 30 होगा, क्लियर। तो एडिनिन कितना है 30, थायमिन कितना है 30, साइटोसिन कितना है 20, गुआनिन कितना है 20, क्या परसेंट मत बोलना, ठीक है ना, परसेंट नहीं बोलना आपको, तो ये क्या है परसेंट है, ओके, एडिनिन थायमिन 60 20% एंड सॉरी 30% 30% ईच, एंड साइटोसिन एंड गुआनिन 20% 20% ईच। तो सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो डन, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, वो भी डिस्क्लियर, इसके आंसर भी आपको पता है। और थर्ड क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन बोलता है कि इफ अ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रैंड इज डीएनए एज फॉलोस, मैंने आपको डीएनए का स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताया था, कैसा देखो,
फाइव डैश से थ्री डैश में आपको गिवन है ATGC, कुछ इस तरह से आपको फाइव डैश से थ्री डैश में गिवन है ना। इस पैटर्न को आपको क्या लिखना है, गिवन है इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्टैंडर्ड डीएनए एज फॉलोस, ATGC जो भी गिवन है, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन द फाइव डैश टू थ्री डैश, फाइव डैश टू थ्री डैश। चलो यार ये भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या देखो, आपको देखो मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये देखो थोड़ा इसको बढ़ा के लेते हैं, है ना। अब लिखते हैं, चल बताओ मुझे ATGC, देखो ATGC है ना, ATGC, फिर बताओ ATGC, कितने है? एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात है, एक दिया दो लिखा, थ्री ए फोर फाइव ATGC सिक्स, तो है ना पूरा कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो यहाँ पर जो एंड है, अब जो चीज समझना इम्पोर्टेंट है, इस तरफ कौन सा बताओ, नहीं ये वाला तो नहीं यूज करना, बहुत मोटा है, ये यूज करते हैं, ये है हमारा फाइव डैश एंड, ठीक है ना। और ये कौन सा एंड हो गया हमारा, थ्री डैश एंड, ठीक है, फाइव डैश टू थ्री डैश डैश ये रहेगा, ठीक है। अब जो मैं बताया गया राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बताओ यार, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में क्या होगा, थ्री डैश टू फाइव डैश, है ना, बताओ है कि नहीं। तो ये फिर लिखते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन, बताओ कॉम्प्लीमेंटेशन बताओ, यहीं पे लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं, ठीक नीचे यहाँ लिखते हैं, यहाँ ठीक रहेगा ना, ये यहाँ लिखते हैं यहाँ। तो बताओ थोड़ा खिसक लेते हैं इसके ऊपर, आप बताओ क्या होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन, टी का कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल, गुआनिन का साइटिडिन, साइटिडिन का गुआनिन, तो सेम होगा, बस एडिनिन की जगह थायमिन जो, थायमिन की जगह यूरासिल, सॉरी अरे यार गलत कर दिया ना, एडिनिन की जगह थायमिन होगा, थायमिन की जगह एडिनिन होगा, ठीक है ना। अब ये क्लियर ना, ये देखो लिखा है डीएनए में क्या होगा, हमें ये नहीं पूछा गया कि आरएनए में, हमने बोला कि इसी डीएनए का फाइव डैश टू थ्री डैश होगा ना, डी थ्री डैश फाइव डैश, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो एडिनिन की जगह थायमिन, थायमिन की जगह एडिनिन, गुआनिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह गुआनिन, तो इसे लिखते जाओ क्या होगा, फिर बताओ टी ए सी जी, क्लियर है कि नहीं, ये रहेगा ना। अब ये थ्री डैश टू फाइव है, लेकिन हमें आंसर में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो आंसर में पूछा गया है फाइव डैश टू थ्री डैश, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये इसी को हमें ना कॉम्प्लीमेंट्री अब नहीं करना, ये गलती हमें यहाँ पर हम बहुत ज्यादा दोहराएंगे कि हम जब फाइव डैश टू थ्री डैश लिखेंगे हम फिर इसको कॉम्प्लीमेंट्री कर, इसको कॉम्प्लीमेंट्री कर, फिर से तो यही आ गया, ये नहीं पूछा आपसे। अब तो सही कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है, इस कॉम्प्लीमेंट्री को आपको लिखना है लेकिन इस डिरेक्शन में, फाइव डैश टू थ्री डैश, तो फाइव डैश टू थ्री डैश में रीड करो क्या आएगा बताओ, जो रीड करके जो आ रहा है वही बस लिखना है, कुछ नहीं, बताओ क्या आएगा फाइव डैश टू थ्री डैश, खुद ही बताओ, पहले जी फिर सी फिर ए फिर टी फिर जी फिर सी फिर ए फिर टी, क्लियर है ना, मिल गया आंसर, क्लियर ना। तो आपको क्या करना था, डीएनए लिखना था फाइव डैश टू थ्री डैश गिवन है, उसको थ्री डैश टू फाइव डैश में आप कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, फिर उसको उल्टा से लिखना है, आंसर में थ्री डैश ये वाला ऑप्शन भी होगा, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर कौन सा है फाइव डैश टू थ्री डैश वाला, ठीक है। अब फाइव डैश टू थ्री डैश में जाकर फिर से कॉम्प्लीमेंट्री मत करने लगना, बस रीड करना है, नॉर्मल रीड करो बस, ठीक है। चलो तीन नंबर क्वेश्चन भी डन। अब जो फोर्थ क्वेश्चन आता है, इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज गिवन दिस, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। देखो हमने जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन में क्या बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन में एक प्रमोटर है, फिर से वाला दिखा देते हैं, ये देखो ये वाला, मतलब प्रमोटर है, एक स्ट्रक्चरल जीन है जिसमें एक
टेम्पलेट स्टैंड है, एक कोडिंग स्टैंड है। अब जो ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये टेम्पलेट की तरह काम करता है। तो इसमें है ना, एमआरएनए जो होता है ये इसके कम्प्लीमेंट्री होता है, और ये जब इसके कम्प्लीमेंट्री होगा, और ऑलरेडी जो गिवन स्टैंड है उसका अपोजिट वाला, वो तो कम्प्लीमेंट्री है ही, तो अल्टीमेटली ये दोनों सिमिलर दिखते हैं। ये वाला नया जो बना है एमआरएनए में, और ये कोडिंग, बस क्या डिफरेंस है कि इसमें थायमिन होगा, इसमें यूरासिल होगा, प्लस में है ना, सिमिलर पोजीशंस में। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम कोडिंग स्टैंड, क्योंकि जो नया कोड हुआ है वो ये कोडिंग सेम टू सेम कोडिंग स्टैंड जैसा दिखता है, बस एड थायमिन की जगह यूरासिल जोड़ दोगे है ना। एंड ये टेम्पलेट का काम करता है, ये टेम्पलेट स्टैंड। तो आपसे पूछा गया है कि कोडिंग स्टैंड के हमें अपने है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है कि क्वेश्चन 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 में लिखा है कि ये कोडिंग स्टैंड है आपके पास ऑलरेडी। कोडिंग स्टैंड का मैं आपको सीक्वेंस दे दिया, देखो कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस दिया आपको, सीक्वेंस से मैंने पूछा, आपको टेम्पलेट नहीं दिया है। अगर टेम्पलेट होता तो आप क्या करते, उसके कॉम्प्लीमेंट्री लेते, लेकिन कोडिंग स्टैंड मैंने पता है जो नया स्टैंड बनता है हमारे नए में, वो कोडिंग स्टैंड के सिमिलर ही होता है, बस एक डिफरेंस है, मैं तब से बोल रहा हूँ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो बहुत बार बोला, आपको आना चाहिए, आपको थायमिन की जगह क्या होना चाहिए, यूरासिल। थायमिन होगा कोडिंग स्टैंड में, और क्योंकि एडीएन है, और एमआरएनए में क्या होगा, वैसे तो यार बस सिमिलर लिख दो, और ए के जगह, टी के जगह है ना, टी के जगह आपको क्या करना है, यू जोड़ना है, जितने भी टी दिख रहे हैं टी हटाओ यू लगाओ, टी हटाओ यू लगाओ, टी हटाओ यू लगाओ, टी हटाओ यू लगाओ, टी हटाओ यू लगाओ। तो बताओ इसका आंसर क्या लिखता हूँ, आंसर क्या आपको बताओ, ए टी के जगह यू, जी सी, 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 कितने हैं, एक दो छह सात और एक, ए टी के जगह यू, जी सी, एक बार चेक कर लेना ठीक है। तो 5-3 क्या आंसर रहेगा आपका, 5-3 क्या रहेगा एमआरएनए का, ये रहा 5-, ये रहा 3-, क्लियर है क्या। कोडिंग स्टैंड के एग्जैक्टली सेम होगा, बस थायमिन की जगह यूरासिल, थायमिन की जगह यूरासिल, थायमिन की जगह यूरासिल, क्लियर है ना। आपको यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं ढूंढा, अगर मैं सेम क्वेश्चन आपको टेम्पलेट देता, मान लो ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये मैं जब बोलते कि टेम्पलेट स्टैंड का कोडिंग है, आप मुझे सीक्वेंस है टेम्पलेट स्टैंड का, आप मुझे एमआरएनए का सीक्वेंस दो, तब क्या करते हैं आप बताओ, तब हम क्या करते हैं ना, इसे कॉम्प्लीमेंट्री लिखते हैं, मतलब ए की जगह मैं क्या लिखता, यू, क्योंकि ये आरएनए है। टी की जगह क्या लिखता मैं, ए, जी के लगा सी, सी के जगह जी, क्लियर है ना। चलो गुड, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए, डीएनए का कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो डबल है, मतलब विच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स लेड वाटसन एंड क्रिक टू हाइपोथेसाइज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें जो वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ऐसे ही तो डीएनए हर्षन से नहीं बोला होगा ना कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप के हैं, उनके दिमाग में कौन से प्रॉपर्टी है डबल हेलिक्स में। तो आप मुझे पहले बता, डबल हेलिक्स का प्रॉपर्टीज क्या था, अगर याद है तो मैं बोलता हूँ, डबल हेलिक्स के प्रॉपर्टीज ये थे कि, एक मिनट, कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, एंटी पैरेलल होगा, इसके जो मेन स्टैंड है वो कौन बनाता होगा बताओ, जो है वो शुगर एंड फॉस्फेट से बनता है, एंड जो हैंगिंग स्टैंड जो डबल बॉन्ड बना रहा है, एंड सिंपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो नाइट्रोजन बेस के द्वारा, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस मिलकर नाइट्रोसाइडेस न्यूक्लियोसाइडेस, फिर न्यूक्लियोसाइडेस के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ा तो न्यूक्लियोटाइडेस, ठीक है। तो ऐसे करके हमने डिस्क्राइब किया सारी चीजें, फिर ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंटी पैरेलल होगा, अगर एक स्टैंड 5-3 है, दूसरा स्टैंड 3-5 होना चाहिए, एग्जैक्टली ऑब्वियसली है ना। तो इसमें से कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज थे जिनको देख के इन दोनों को लगा है ना कि वाटसन क्रिक ने बोला, कि उन्होंने जब हाइपोथेसिस दिया था ऑलरेडी डबल हेलिक्स, तो उन्होंने बोल दिया था कि हाँ ये जब रेप्लीकेट करते तो सेमी कंजर्वेटिव मोड, तो कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी ये है, वाटसन एंड क्रिक ने देखा कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है ना, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, ये वाले दोनों स्ट्रैंड एकदम क्या होते हैं, एंटी पैरेलल, मतलब अगर ये 5-2-3 है, 5-2, अगर ये 5-2-3 है, तो इसका ऑपोजिट होगा ये वाला, एकदम एंटी पैरेलल है, ये वाला क्या होगा 5-2, ये वाला क्या होगा 3-2, 5-,
और ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसके कम्प्लीमेंट्री, ये इसके कम्प्लीमेंट्री, ये इसके, पूरा तरह की, मतलब कि दो स्ट्रैंड जो है डीएनए के वो एग्जैक्टली क्या है बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री है, एंटी पैरेलल है, और वो हेलिकल है। मैं ये आपको एक छोटा पार्ट दिखा रहा हूँ ना, अब असली में तो ये ऐसे है, हेलिकल है पूरा, ठीक है, हेलिकल है पूरा एकदम, ये हेलिकल टाइप का है। मैं तो आपको एक छोटा पार्ट काट के दिखा रहा हूँ, है ना, कि हेलिकल है पूरा। अब देखो इसमें जो प्रॉपर्टीज, पहली चीज ये है कि इसका पहला प्रॉपर्टी ये है कि एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों स्ट्रैंड ईच अदर के। तो यहां से इनके दिमाग में ये आया कि अगर ये दोनों एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्यों ना, और हमने जब इसका देखा कि नेक्स्ट पैटर्न जो होता है, नेक्स्ट मतलब इसका जो डॉटर स्ट्रैंड आएगा वो डॉटर में कुछ इस तरह था कि एक पेरेंटल का था एंड दूसरा वाला नया बन रहा था, है ना, एक पेरेंटल और दूसरा नया। तो हमें ये समझ में आ गया ना कि एक पेरेंटल है और दूसरा नया बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों में से दोनों अलग अलग से, ये अलग टेम्पलेट काम करेगा, ये अलग से टेम्पलेट की तरह काम करेगा, तो ये दोनों टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे। एंड इसके तो ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा, एक न्यू सिंथेसिस होगा, तो ये देखो एक बन गया, ये वाला भी सेम, यहाँ पर एक स्ट्रैंड बनता है और दूसरा वाला फिर न्यूली सिंथेसिस होता है। तो यहाँ से इनको समझ में आ गया कि ये जो डीएनए है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर है, तो इनमें से ये दोनों क्या कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं हर एक स्ट्रैंड टू सर्व, हाँ दोनों स्ट्रैंड अलग से इंडिपेंडेंटली टेम्पलेट की तरह सर्व कर सकते हैं। अगर ये टेम्पलेट की तरह सर्व कर सकते हैं तो क्या होगा बताओ, तो फिर इसके बाद से हमें ये समझ में आ गया कि इसमें से दो स्ट्रैंड जो होगा न्यूली सिंथेसिस होगा, इसमें से एक वाला तो पेरेंटल है, दूसरा वाला न्यूली सिंथेसिस हुआ, तो ये कम्प्लीटली सिंथेसिस भी नहीं हुआ एंड कम्प्लीटली ओल्ड वाला मतलब मिड भी नहीं गया, पेरेंटल वाला गायब हो गया, यानी पेरेंटल का एक स्ट्रैंड है नया बन गया। तो दिस इज द पैटर्न विच इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव, फुल्ली कंजर्वेशन भी नहीं है और फुल्ली नया से बना भी नहीं है, तो दिस इज द पैटर्न कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। अगर दूसरे वर्ड्स में बताएं तो द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल स्प्लिट, डीएनए मॉलिक्यूल के डबल स्टैंड प्री स्प्लिट होते हैं एंड हर एक सेपरेटेड स्टैंड सर्व करता है एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसिस अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो डीएनए मॉलिक्यूल का जो नया बनेगा, नया डीएनए मॉलिक्यूल विल हैव वन पेरेंटल स्टैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड। तो जब आप लिख रहे हो, अब ऐसे लिखना कि वाटसन क्रिक ने देखा कि डीएनए स्ट्रैंड में उन्होंने नोट किया कि टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सो दे, एंड अगर हम उनका बेस सीक्वेंस भी देखें तो उनमें से दोनों फैसिलिटेट करते हैं ईच स्ट्रैंड टू सर्व एज अ टेम्पलेट जो न्यूली सिंथेसिस करता है। तो ये हाइपोथेसिस हमें डिजर्व करता है कि डीएनए इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द डीएनए मॉलिक्यूल स्प्लिट्स एंड ईच सेपरेटेड स्ट्रैंड सर्व एज अ टेम्पलेट टू सिंथेसाइज क्या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट सब्सिक्वेंटली द ईच डीएनए मॉलिक्यूल विल हैव वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, एज क्योंकि एक पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व हो रहा है, देखो डॉटर स्ट्रैंड में दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड नहीं है, एक है और एक न्यूली बन रहा है, तो क्योंकि एक है तो हम इस मोड ऑफ रेप्लिकेशन को क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेटिव। तो अब ऐसे लिखना कि एज द डीएनए मॉलिक्यूल हैव वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन डॉटर स्ट्रैंड, और क्योंकि पेरेंटल स्ट्रैंड As only one parental strand is conserved in each daughter strand, हर एक daughter molecule में एक parental strand conserved है, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक है, दोनों नहीं है, दोनों होता तो fully conservation कहते हैं, अगर दोनों नहीं होता तो हम कहते हैं कि non conservative है, लेकिन एक conserved है और एक नया है तो क्या कहेंगे, semi conservative, clear? तो आपका अगर पूछ गया which property of DNA molecule double helix lead towards and create the hypothesis the double semi conservative, तो आप बता देना कौन सा anti parallel and complementary and also the each strand act as a template for daughter molecule, clear? बाकी replication के है ना, फिर ये चीजें उन्होंने बताया, फिर इसको प्रूव करने के लिए हमें फिर मेसलसन और स्टाल ने 1958 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको प्रीवियसली भी डिस्क्राइब किया, फिर से ये देख लेना, ठीक है। तो इससे ये भी अल्टीमेटली प्रूफ हो गया कि हाँ डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली करता है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स क्लियर आई होप, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपेंडिंग अपन द केमिकल नेचर ऑफ टेम्पलेट दैट इज डीएनए और आरएनए, the nature of nucleic acids synthesis from it DNA or RNA leads the type of nucleic acid polymerase। जितने भी DNA के मॉलिक्यूल है उनमें से आप ये बताओ कि कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज हो सकते हैं, आप खुद ही देखो ना कितने टाइप हो सकते हैं।
एक आपके पास है डीएनए और एक आपके पास है आरएनए। डीएनए कुछ इस तरह का है, ऐसा नहीं है, मैं आपको छोटा पार्ट एक दिखा रहा था। अभी मैं सोचना कि ये एकदम स्टैंड स्टैंड होता है सिंगल, ऐसा होता नहीं है, वास्तविक में ये हेलिकल टाइप होते हैं। लेकिन मैं आपको छोटे से पार्ट काट के दिखा रहा हूँ, इसलिए ऐसा दिखता है। और ये आरएनए है ना, ड्रॉइंग के मचान, ड्रॉइंग थोड़ा गंदा होगा इसमें। नेक्स्ट थिंग इज खुद से देखो कि जो डीएनए, अगर कोई डीएनए एक पॉलीमरेज आया जो डीएनए के ऊपर काम कर रहा है, इसको टेम्पलेट मान रहा है, काम कर रहा है और ये बना रहा है और एक डीएनए बना रहा है, तो मैं क्या कहूंगा इसको, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज। अगर ये डीएनए पे काम कर रहा है, डीएनए को टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट यूज कर रहा है लेकिन बना रहा है आरएनए, तो क्या कहूंगा मैं, डीएनए डिपेंडेंट, आरएनए पॉलीमरेज। वैसे आरएनए पे है ना पॉलीमरेज काम कर रहा है और आरएनए से डीएनए बना रहा है, तो उसको क्या कहूंगा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के केस में होता है ना, आरएनए से डीएनए बनते हैं। सेंट्रल डॉगमा में ये लास्ट ही ऐड हुआ था कि फिर आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन में बनता है, डीएनए से भी आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। तो उस वक्त कौन सा पॉलीमरेज लगेगा, फिर आरएनए पे डिपेंड कर रहा है लेकिन बना रहा है डीएनए, तो आरएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज। एंड अगर आरएनए पे ही डिपेंड करके वो आरएनए बनाए ना, इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर इसको कहेंगे आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए पॉलीमरेज। तो आप खुद ही सोचो, अगर आपको नया स्ट्रैंड बनाना है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किसको यूज करेगा, डीएनए को टेम्पलेट यूज करेगा ना, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज किसको यूज करेगा, आरएनए को। तो जो डिपेंडेंट बोल रहा हूँ मैं, तो चार क्या क्या नाम बताया मैंने आपको, बताओ लिखना है यहाँ पर आपको, तो आप क्या क्या लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाओ, ठीक है। एक है आर, पहले सीधा था, पहले डीएनए लिखे डिपेंड कर, डीएनए को टेम्पलेट यूज करता है कौन कौन, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉली मरेस। ये दूसरा क्या है, डीएनए डिपेंडेंट लेकिन बना रहा है आरएनए, तो डीएनए यूज कर रहा है डीएनए को टेम्पलेट लेकिन बना रहा है आरएनए, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कब ये कब यूज होगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जब हमारे पास रेप्लिकेशन होगा। डीएनए में आरएनए पॉलीमरेज कब बनेगा, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। फिर नेक्स्ट बताओ कि और कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, फिर हो सकता है आरएनए को टेम्पलेट यूज करेगा, तो आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए से डीएनए बना रहा है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, है ना। एंड लास्ट वन इज आरएनए डिपेंडेंट, क्या आरएनए से आरएनए ही बना रहा है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है, तो ये चार टाइप के पॉलीमरेज होते हैं। बताओ, एक नंबर पे आएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दो नंबर पे आएगा ये अपना नया वाला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, फिर डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, फिर फोर्थ वन इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये कब आता है, जब रेप्लिकेशन होता है, ये कब आता है, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये कब आता है, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, और ये कब आता है, जब आरएनए का रेप्लिकेशन होता है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ टेम्पलेट, देखो टेम्पलेट का केमिकल नेचर पता, अगर डीएनए हुआ तो डीएनए डिपेंडेंट है ना, एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियस सिंथेसिस, अगर डीएनए बना रहा है तो डीएनए को टेम्पलेट यूज कर रहा है, डीएनए बना रहा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए को टेम्पलेट यूज कर रहा है, आरएनए बना रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए को टेम्पलेट बना रहा है यूज करके डीएनए बना रहा है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए को यूज करके आरएनए बना रहा है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ टेम्पलेट दे यूज है ना, एंड द नेचर ऑफ केमिकल दे सिंथेसाइज, उसके बेसिस पे ये चार टाइप के आपको पॉलीमरेज मिले। क्लियर, ये भाई क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड, सेवेंथ क्वेश्चन देखो, हाउ डिड हर्शे एंड चेज डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट व्हाइल प्रोवाइडिंग दैट आरएनए, सॉरी डीएनए इज द जेनेटिक, जब वो प्रूव कर रहे थे डीएनए जेनेटिक। तो यार इसके लिए हम चलते हैं आगे, चलो चलो हर्षन चेस के एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अभी हर्षन चेस ने कैसे प्रूफ किया ना, क्वेश्चन था कि हर्षन चेस ने क्या, क्वेश्चन था फिर से सुन लो, हर्षन चेस ने कैसे डिफरेंशिएट किया होगा डीएनए आरएनए के बीच में, तो उन्होंने क्या यूज किया था सोचो। हर्षन चेस वाला एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, 1958, तो उनसे पहले
जेनेटिक मटेरियल पर जब सर्च चल रहा था कि कौन जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, तभी हर्ष सैंचेज ने एक्सपेरिमेंट किया था। दैट इज द हर्ष सैंचेज एक्सपेरिमेंट इन 1952, जब उन्होंने क्या किया, उनको लग रहा था कि बहुत से लोगों को लग रहा था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है ना, लेकिन ये लोग ओबेस्ट नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो कौन जेनेटिक मटेरियल है ये समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा। उनमें से जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ एंड वेल डिस्क्राइब्ड एंड है ना, जिसको अल्टीमेटली जो एक अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब इससे एकदम क्लियर हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना। तो उन्होंने कैसे डिफरेंशिएट किया डीएनए एंड प्रोटीन को, तो देखो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज लिया। व्हाट इज बैक्टीरियोफाज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियोफाज जो बैक्टीरिया है, नहीं बैक्टीरियोफाज मतलब जो बैक्टीरिया को खाता हो, तो बैक्टीरिया को खाने वाला ऐसा कुछ वायरस, ठीक है, दैट इज बैक्टीरियोफाज। नाउ उन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया, कुछ बैक्टीरियोफाज को उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लेवल, मतलब जिनमें रेडियो एक्टिव सल्फर है ऐसा कुछ एक है ना, एक ऐसा कल्चर मीडियम लिया जिसमें से रेडियो एक्टिव सल्फर दिया गया, और एक कल्चर मीडियम उन्होंने लिया जिस कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दिया गया, रेडियो फॉस्फोरस इज P32 है ना, एंड P32 एंड रेडियो सल्फर इज P35, क्लियर, ओके। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड, तो देखो रेडियोएक्टिव सल्फर जो है, अब बताओ सल्फर क्या हमारे डीएनए में होता है, ऑब्वियसली नो, सल्फर कहाँ होगा, प्रोटीन में, प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन कुछ मॉलिक्यूल अमीनो एसिड में सल्फर होता है, तो रेडियोएक्टिव सल्फर आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ प्रोटीन है, और बैक्टीरियोफाज के दो पार्ट है, दैट इज प्रोटीन कैप्सूल एंड अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल। अब नहीं जेनेटिक मटेरियल बोल सकता, अंदर डीएनए, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मतलब वो बाद में पता चला जेनेटिक मटेरियल, लेकिन अंदर क्या है डीएनए, और सराउंडिंग क्या है प्रोटीन कैप्सूल, जो प्रोटीन कैप्सूल है उसमें क्या मिलेगा आपको, रेडियो एक्टिव सल्फर, एंड जो डीएनए है उसमें क्या मिलेगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, क्योंकि डीएनए में हमको पता है ना कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फॉस्फेट होता है, तो अगर फॉस्फेट है तो फॉस्फोरस है, तो फास्फोरस को रेडियो फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, तो जो जिनको मैंने ऑलरेडी सल्फर के रेडियो एक्टिव कल्चर मीडियम में ग्रो किया है उनमें कौन सा मिलेगा बताओ, उनमें कौन सा किस टाइप के, उनमें क्या रेडियो एक्टिव होगा, जो प्रोटीन कैप्सूल है वो रेडियो एक्टिव होगा, और जिनको मैंने फास्फोरस में एक्टिव किया उनका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों बैक्टीरियोफेज को अलाउ किया गया इन्फेक्ट करने के लिए एक एस्चेरिचिया कोलाई को, ठीक है, दोनों ने एस्चेरिचिया कोलाई को इन्फेक्ट किया, मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल जो भी देना था वो दे दिया ना, जो जेनेटिक मटेरियल है वही तो डोनेट करेगा ना, जो कर वो अपना जेनेटिक मटेरियल डोनेट करता है मतलब इन्फेक्ट करता है, वो एंटर करवाता है एस्चेरिचिया कोलाई में, और एस्चेरिचिया कोलाई जो कि होस्ट है वो देखता है कि यार कुछ जेनेटिक मटेरियल है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि वो सेल्फ है कि बाहर से आया है, तो वो फिर दोनों को आइडेंटिटी मतलब रिप्लीकेट कर देता है, ऐसे करके फिर वायरस क्या करते हैं अपने आप को रिप्लीकेट करते हैं इन द होस्ट बॉडी है ना, फिर उसका मशीनरी को अपने आप ले लेता है एंड अल्टीमेटली उसमें वो कब्जा कर लेता है, राइट, दैट इज द मशीनरी ऑफ वायरस। तो बैक्टीरियोफेज में तो ऐसा ही है, तो बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल दिया है, अब अगर इन्फेक्शन ऐसा हुआ कुछ तरह, अब जो भी जेनेटिक मटेरियल थे वो जाने वाला है, हमें पता नहीं अभी तक कि वो डीएनए है कि अभी आप आपको पता है इसलिए आप बोल रहे हो कि सर डीएनए दिया होगा, लेकिन उस टाइम पे ये क्लियर नहीं था कि वो डीएनए है या प्रोटीन वाला पार्ट है, जो भी जेनेटिक पार्ट है उसने विघटन कर दिया होगा, इन्फेक्शन कर दिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग में क्या है, ये दोनों ऐसे अटैच ना, देखो ये प्रोटीन कोडिया जो भी है जो दे रहा था वो तो दे गया, बाकी वाला पार्ट बाहर रह जाएगा, तो उसको अलग करने के लिए ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग क्या करता है, बैक्टीरिया का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अलग कर दिया, फिर सेंट्रीफ्यूज करके अगर सेल बॉडी जो है वो ऑब्वियसली वो डेंस होगा, मतलब उसका क्या बोलते हैं मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो हमें कहाँ मिलेगा, वो नीचे मिलेगा, राइट, तो रेडियो एक्टिव जो हमारा सेल बॉडी वो नीचे मिला, एंड जो पतले पार्ट है वो सुपरनेटन में मिलेगा हमें, तो सुपरनेटन वाला पार्ट कौन सा है, जो बैक्टीरिया सॉरी बैक्टीरियाफाज का वाला पार्ट जो अंदर नहीं गया, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल नहीं है वो वाला पार्ट ऊपर रह गया है, और जेनेटिक मटेरियल वाला पार्ट वो सेल में चला गया मतलब वो नीचे चला गया। अब यहाँ देखो ना कि ये मेरा कुछ इस तरीके होंगे, जहां पर ये नीचे वाला पार्ट जो होगा यहाँ पर क्या मिलेंगे, सेल मिलेगा ओनली, एंड ऊपर जो सुपरनेटन मुझे मिलेगा इस सुपरनेटन में क्या होगा, बैक्टीरिया के वो वाला चीजें होंगे जो इसने इन्फेक्ट नहीं किया होगा, एंड नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिलेगा जो इन्फेक्ट मतलब जो सेल है जो इन्फेक्टेड हो चुका है, मतलब इसने जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट है समझना वो बहुत ही क्लियर है समझो, कि हमने देखा कि जिसको जिस बैक्टीरियोफाज के मैंने सल्फर मीडियम मतलब रेडियो
सल्फर में मतलब ग्रो किया था, उसमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिल रहा है? सुपर न्यूटन में, यहाँ रेडियो एक्टिविटी मिल रहा है यार। मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर कहाँ है? यहाँ है, जो वाला पार्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब प्रोटीन इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। एंड दूसरे वाला पे देखो, दूसरे वाले पे हमें ये देखने को मिला कि इसमें हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिला इन द सेल। अगर सेल में रेडियो एक्टिविटी है, मतलब यहाँ रेडियो एक्टिविटी है, यहाँ रेडियो एक्टिविटी है, मतलब कौन है? जेनेटिक मटेरियल तो यहाँ है। अब फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है जो कि हमें सेल में मिल रहा है, मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। यहाँ से ये कंप्लीटली प्रूफ हो गया कि रेडियो एक्टिविटी सुपर न्यूटन में नहीं मिल रहा है, प्रोटीन कोड में से रेडियो एक्टिविटी नहीं मिल रहा है, मतलब उसने इन्फेक्टेड नहीं किया है। तो यहाँ से ये दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो दोनों पार्ट है कि एक रेडियो एक्टिव सल्फर हमें मिल रहा है सुपर न्यूटन में, मतलब प्रोटीन कोड हमें सुपरनेटर में मिल रहा है जो कि इम्पेक्ट नहीं किया होगा, और जो वाला पार्ट इम्पेक्ट किया है सेल में वो हमें मिल रहा है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। तो ये प्रूफ हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया बाय द बैक्टीरियोफेज। तो इट इज अनइक्वेकल प्रूफ है ना। इसके बाद कोई कंफ्यूजन रहा ही गया है नहीं कि कौन जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए की प्रोटीन है, तो इधर क्लियर। फिर हमने इसके बेसिस पे हमने बताया कि जेनेटिक मटेरियल के पास ये कुछ केमिकल डिफरेंस, मतलब ये कुछ चीजें होना चाहिए एज अ जेनेटिक मटेरियल, कि इट शुड बी एबल टू रेप्लीकेट, है ना, इट शुड बी स्टेबल एंड केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, इसमें कुछ कुछ चेंजेस होने चाहिए, देन ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए एज अ मेंडलियन कैरेक्टर। तो जो पहला वाला पार्ट था ना, इट शुड बी एबल टू जेनरेट अ रेप्लिका, प्रोटीन तो यहाँ ही फेल हो गया, तो जेनेटिक मटेरियल कैसे होगा, है ना। तो बाकी फिर ये कैरेक्टरिस्टिक देख के ना जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया। पहले ये चार याद कर लेना कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल। पहले ये शुड एबल टू रेप्लीकेट, एबल टू जेनेट रेप्लीका, खुद रेप्लीकेट कर पाए। फिर ये केमिकल स्ट्रक्चर स्टेबल भी होना चाहिए, कभी कभी चेंजेस भी जरूरी है, म्यूटेशन भी जरूरी होने हैं ना। इट शुड हैव द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट इज म्यूटेशन, एंड ये खुद को एक्सप्रेस भी कर पाए, ऐसा नहीं कि बस है एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा। ठीक है, प्रोटीन में ये सब आगे की चीजें तो थे, लेकिन प्रोटीन रेप्लीकेट नहीं कर पा रहा था, एंड हर्षियन चेज से प्रूफ तो हो ही गया। तो हाउ डिड हर्षियन चेज डिफरेंशिएट? तो आप बता देना कि हर्षियन चेज ने दो अलग अलग टिश्यू कल्चर मीडियम लिया, एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर था। जो रेडियो एक्टिव सल्फर में जो बैक्टीरिया फास्ट ग्रोथ किए, उनके जो प्रोटीन वाला पार्ट होगा वही रेडियो एक्टिव होगा, एंड जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रोथ किए उनके जो प्रोटीन डीएनए वाला पार्ट है वो रेडियो एक्टिव होगा। क्लियर? तो वहां से प्रूव हो गया कि हाँ कौन सा पार्ट जा रहा है सेल के अंदर और कौन सा पार्ट सुपरनेटम में रह रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, दो अलग अलग केस बना के पहले वो डायग्राम ड्रॉ कर देना, फिर उनको अलग से डिस्क्राइब करना कि केस वन में सुपरनेटम को हम रेडियो एक्टिव देख रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि प्रोटीन अंदर नहीं जा रहा है ना, और केस टू से ये पता चल रहा है कि रेडियो एक्टिव डीएनए हमें मिल रहा है सेल में जो कि रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया, ऐसे करके डिस्क्राइब कर देना। ओके, आई होप इट्स क्लियर फॉर सेवेंथ क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं एट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, दैट इज रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए। पहले इसको करते हैं एट का ए। अब बताओ रिपीटेटिव डीएनए क्या है एंड सैटेलाइट डीएनए क्या है। पहले हम इनका बेसिक देखो, व्हाट इज रिपीटेटिव डीएनए? दिस आर डीएनए सीक्वेंस कंटेनिंग स्मॉल सेगमेंट्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स। मतलब डीएनए है ना, डीएनए है ये वाला पार्ट, डीएनए है, डीएनए में कुछ पार्ट हम देखे कि ये जो कुछ पार्ट है, ऐसे कुछ पार्ट्स हैं, मैं ये छोटा पार्ट बता रहा हूँ, ऐसे कुछ पार्ट है जो छोटा है, लेकिन डीएनए का वो सीक्वेंस जो छोटे सेगमेंट है तो बहुत ज्यादा टाइम्स रिपीट हुए हो, है ना, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम रिपीट हुए हो, तो ये रिपीटेटिव डीएनए। और व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? जिसमें ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कंटेनिंग रिपीट कंटेनिंग हाईली रिपीटेटिव डीएनए। मतलब क्या है ये सैटेलाइट डीएनए जो है ना, सैटेलाइट डीएनए जो भी मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? तो सैटेलाइट डीएनए और कुछ नहीं है, ये सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव डीएनए जो है ना हमारा, इस रिपीटेटिव डीएनए का ही वो वाला पार्ट जिसे तो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है। मतलब रिपीटेटिव डीएनए क्या मतलब है कि कुछ पार्ट स्मॉल पार्ट है जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव डीएनए। और रिपीटेटिव डीएनए में भी कुछ पार्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो उसे हम कह रहे हैं सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि वो बाल्क मान रहा है, वो सैटेलाइट, सैटेलाइट का बाल्क तरह, जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो बाल्क में जो हमें मिलता है एक ऐसे पार्ट, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट वाला पार्ट। तो सैटेलाइट डीएनए क्या है? सैटेलाइट डीएनए इसका डीएनए रिपीटेटिव डीएनए का वो सीक्वेंस जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखो, मैं बोलते जाता हूँ, रिपीटेड डीएनए आप दो ऐसे कॉलम बना लेना, ठीक है ना, आप दो ऐसे कॉलम बना लो, दो ऐसे कॉलम बना लिया, ठीक है,
ये बन गया हमारे रिपीटेटिव डीएनए के लिए, है ना, और ये वाला हमने बना लिया सैटेलाइट डीएनए के लिए। ठीक है, तो रिपीटेटिव डीएनए क्या लिखो कि दिस आर द डीएनए सीक्वेंस कंटेनिंग स्मॉल रिपीटेटिव यूनिट्स। सैटेलाइट में क्या है, रिपीटेटिव में लिख लो, देखो दिस आर द डीएनए सीक्वेंसेस कंटेनिंग स्मॉल सेगमेंट्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स। क्लियर। अब सैटेलाइट डीएनए क्या है, ये रिपीटेटिव डीएनए ही है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम रिपीटेड हुआ है। तो देखो दिस आर द रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कंटेनिंग हाईली रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए बहुत ज्यादा है, रिपीटेटिव डीएनए के टाइप। सैटेलाइट डीएनए अलग से कुछ नहीं है, रिपीटेटिव डीएनए का ही टाइप है जो जिसमें रिपीटेटिव डीएनए बहुत हाईली अमाउंट में मिलता है। तो रिपीटेटिव डीएनए इज आर द डीएनए सीक्वेंसेस कंटेनिंग स्मॉल सेगमेंट्स रिपीटेड सेवरल टाइम्स, और सैटेलाइट डीएनए आर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस कंटेनिंग हाईली रिपीटेटिव डीएनए। और भी कुछ डिफरेंस है, जैसे रिपीटेटिव डीएनए में आपको जो लेंथ का वेरिएशन देखेगा ना, वो सेवरल बेस पेयर से 100 और 1000 तक हो सकता है। ये जो है ये आपको कुछ सेवरल से वो लेकर, मतलब ये दो तीन से लेकर भी कुछ 1000 तक जा सकता है ना, 2000 3000 तक भी जा सकता है। बट सैटेलाइट ये शॉर्टर इन लेंथ एंड क्लोज टू ये 100 के आसपास, लाइक 200 300 100 ना, ये शॉर्ट होते हैं, है ना। ये जैसे किया क्या, ये क्या है, कुछ सेवरल से लेकर 1000 तक लेंथ वेरी कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये 100 तक, कुछ शॉर्ट छोटे शॉर्टेड होंगे लेकिन बहुत ज्यादा रिपीटेड। ठीक है, लास्ट डिफरेंस ये लिखो कि दो डिफरेंस हो गया ना, एंड थर्ड डिफरेंस इज रिपीटेड डीएनए कैन बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम बल्क डीएनए बाय डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूजन, क्योंकि ये है ना लाइट बैंड की तरह। देखो जो बल्क ऑफ डीएनए है उसमें से ये जो रिपीटेड डीएनए है ये बहुत कम है ना, तो ये क्या होगा, हमें लाइट बैंड की तरह मिलेगा। ठीक है, तो देखो कि रिपीटेटिव डीएनए कैन बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द बल्क ऑफ डीएनए बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन बिकॉज ऑफ विच दे अपियर एज लाइट बैंड। इनकी तरह से ये लाइट बैंड की तरह दिखेंगे तो कम है ना। और सैटेलाइट डीएनए कैन बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम बल्क ऑफ डीएनए थ्रू डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये डार्क बैंड की तरह आएगा और स्मॉल पीक। अब ये लाइट क्यों है, ये डार्क क्यों है बताओ। ये लाइट है क्योंकि ये इसमें इतना ज्यादा रिपीटेशन नहीं है, ये डार्क है क्योंकि इसमें देखो रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा रिपीटेशन है तो डार्क है ना, ये रिपीटेशन ज्यादा नहीं है, लेंथ भी लंबा है, तो ये कुछ लाइट इस तरह का आएगा, डेंसिटी ज्यादा नहीं है ना, इसमें शॉर्ट लेंथ है लेकिन बहुत ज्यादा रिपीटेशन है, तो इसमें डार्क बैंड आएगा और स्मॉल स्मॉल पीक आपको दिखेंगे, हर जगह नहीं होगा, छोटे छोटे होंगे लेकिन बहुत डार्क होगा। क्लियर है क्या। तो डेंसिटी सेंट्रीफ्यूजन से हम डेंसिटी सेंट्रीफ्यूजन से दोनों को अलग कर सकते हैं, लेकिन जो लाइट वाला पार्ट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा रिपीटेटिव डीएनए, एंड जो डेंस डार्क वाला पार्ट होगा वो कौन सा होगा, सैटेलाइट डीएनए। ये डार्क होगा एंड स्मॉल पीक होगा, ये लाइट बैंड होगा। तो लिखना दो कैन बी डिफर, ये भी लिखना कि इसमें लिखना कि रिपीटेटिव डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय डेंसिटी सेंट्रीफ्यूजन इट अपीयर एज लाइट बैंड, और सैटेलाइट में क्या लिखना है आपको कि दिस कैन बी सेपरेटेड बाय डेंसिटी सेंट्रीफ्यूजन दिस अपीयर एज डार्क बैंड एंड स्मॉल पीक्स। क्लियर, आई होप इतना तीन डिफरेंस लिख दोगे ना पॉइंट करके तो बहुत सही है। ठीक है, बोर्ड सी आपका। ओके एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एम आर एन ए एंड टी आर एन ए। अब देखो मैंने आपको आर एन ए के चार पॉइंट बताए थे, एम आर एन ए, टी आर एन ए, आर आर एन ए, एच एन आर एन ए। क्लियर, अब एम आर एन ए और टी आर एन ए में क्या डिफरेंस है बताओ, खुद ही बताओ। मैं आपको नाम बताता हूँ आप बताओ। एम आर एन ए इज मैसेंजर आर एन ए, टी आर एन ए इज ट्रांसफर आ रही है। तो एक मैसेंजर है और एक ट्रांसफर करने वाला मॉलिक्यूल, दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए बताओ। एम आर एन ए एंड टी आर एन ए, मैं लक्षण नहीं लिखता हूँ, तो मतलब तक आप खुद से भी थोड़ा मतलब बताओ, मतलब तक तो ये लिख देता हूँ मेरे गंदे हैंड राइटिंग से। एम आर एन ए इज द मैसेंजर आर एन ए, तो ये क्या है कि इट एक्ट एज अ टेम्पलेट, ये टेम्पलेट की तरह काम करता है जिसको रीड करके हमारे ट्रांसलेशन में राइबोसोम में शॉर्टर जो मतलब जो उसका स्मॉल से है ना, स्मॉल सब यूनिट है ना, वो इसको रीड करता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपका प्रोटीन बनता है। तो ये टेम्पलेट की तरह काम करता है, इट एक्ट्स अ टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, है ना। एंड टीआरएनए क्या है बताओ, ट्रांसफर आरएनए, ये क्या एडाप्टर मॉलिक्यूल, जो हमें जब हम पॉलीपेप्टाइड बना रहे थे एमआरएनए से, जब हम पॉलीपेप्टाइड बना रहे होंगे तो कौन लाएगा आपके मॉलिक्यूल्स को,
आपके आरएनए सॉरी अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स को तो लाना होगा ना, तो वो कौन लाता है, वो है एडाप्टर मॉलिक्यूल। इसके पास कुछ एंटी कोडोन होते हैं, यहाँ पर एंटी कोडोन होता है पार्ट, जो एंटी कोडोन क्या करता है, इस आरएनए का ये कोडोन रीड करता है, एंड आफ्टर दैट ये एंटी कोडोन जब मैच कर जाता है तो ये अकाउंट जिस एंटी कोडोन से भी ये मैच करेगा ना, वो वाला फिर एमिनो एसिड लेके ये टीआरएनए आएगा। तो आप लिखना कि एमआरएनए कंसर्व एज पहले लिखना है फुल फॉर्म्स, एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए इज ट्रांसफर, राइट? नाउ एमआरएनए जस्ट एमआरएनए सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, एंड टीआरएनए इट एक्ट एज अ एडाप्टर मॉलिक्यूल कैरिंग अ पार्टिकुलर एमिनो एसिड, एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड टू द एमआरएनए टू सिंथेसाइज कंप्लीट, एकदम पार्टिकुलर। और अल्टीमेटली जब आपको यूएजी मिलता है ना, तो उसके लिए कोई पार्टिकुलर होता नहीं है, टीआरएनए मतलब एमिनो एसिड है ना, तो टीआरएनए जब उसके लिए कोई चार्ज टीआरएनए मिलता नहीं है, तब वहां पर स्टॉप हो जाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है? इसीलिए हम कहते हैं यूएजी कोड स्ट्रॉन्ग को स्टॉप कोड होना है ना। तो यही है कि टीआरएनए एक अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है, जो एंटी कोडन को रीड जो रीड करता है कोडिंग स्टैंड को, कोडन को रीड कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक पार्टिकुलर एमिनो एसिड को ही ब्रिंग कर रहा है एट द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि एमआरएनए एक तरह ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ये क्लोवाली शेप है 2D में, और 3D में इन्वर्टेड एल टाइप का। तो नेक्स्ट थिंग इज ये किससे अटैच होता है बताओ, जब आपने देखा था कि राइबोसोम है, राइबोसोम के स्मॉलर पार्ट सब यूनिट से हमारा कौन जुटता था, स्मॉलर सब यूनिट से एमआरएनए जुटता था, एंड टीआरएनए अटैच होता था राइबोसोम के एक एंड से, ये राइबोसोम से जुटता है, और दूसरे एंड पे ये किससे जुड़ता है, अमीनो एसिड से जुड़ता है, ठीक है? तो लिखना कि एमआरएनए गेट अटैच्ड टू राइबोसोम्स ओनली, टीआरएनए गेट अटैच्ड वन एंड टू राइबोसोम एंड अनदर एंड टू अमीनो एसिड, ओके? चलो तीन, इसके भी 3 पॉइंट्स हो गए। अब द लास्ट क्वेश्चन इज टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड, ठीक है? नाउ व्हाट इज टेम्पलेट स्टैंड एंड व्हाट इज कोडिंग स्टैंड, लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखो टेम्पलेट स्टैंड इट एक्ट इट सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, मतलब क्या? टेम्पलेट स्टैंड जो है ना, ये कुछ अलग नहीं है, इसमें भी अलग से बना लेते हैं बॉक्स, चलो यार पहले तो बॉक्स बना लेते, छोटे पे भी हो गया ना, ये टेम्पलेट वाला और ये कोडिंग स्टैंड। जब मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि जो मैं फिर से दिखा देता हूँ वो वाला पार्ट, ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये वाला टेम्पलेट स्टैंड है, ये कोडिंग स्टैंड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, खुद सोचो। जो टेम्पलेट वाला पार्ट है ना, जो टेम्पलेट वाला पार्ट है, जो टेम्पलेट है ये टेम्पलेट का तरह एक्ट करता है, मतलब आरएनए मॉलिक्यूल इसको इसको आर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसको रीड करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो एमआरएनए बनाता है ना, तो टेम्पलेट की तरह कौन काम कर रहा है, टेम्पलेट स्टैंड। और कोडिंग स्टैंड किसकी तरह काम कर रहा है, कोडिंग स्टैंड इस टेम्पलेट स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है ना। चलो तो ये पहला डिफरेंस ये हो गया, और नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इसके पास वो सीक्वेंस होगा टेम्पलेट के लिए जो इस एमआरएनए के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि तो इससे ही बन रहा है ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये जो हमारा नया एमआरएनए बन रहा है सिंथेसाइज्ड एमआरएनए, दैट्स इसके बाद आप लिखो कि द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयरिंग टेम्पलेट स्टैंड विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द सिंथेसाइज्ड एमआरएनए सीक्वेंस, बट इट विल हैव अ आइडेंटिकल टू एमआरएनए, ये कोडिंग स्टैंड की तरह सिमिलर होगा, बस एक डिफरेंस है कि थायमिन होगा डीएनए में लेकिन यूरासिल होगा एमआरएनए में, मतलब ये तो मैंने बहुत बार आपको बताया कि कोडिंग स्टैंड इसलिए कोडिंग नाम है क्योंकि जो नया सिंथेसाइज्ड आरएनए है वो एग्जैक्टली इसके जैसा सिमिलर दिखता है, बस यही डिफरेंस है इसमें थायमिन है और आरएनए में यूरासिल है, ठीक है? तो ये हो गया बेस सिक्वेंस। और लिख सकते क्या कि टेम्पलेट स्टैंड अगर आप देखो इसका डायरेक्शन, तो कौन सा डायरेक्शन है बताओ, देखो ना 3-5-, कोऑर्डिनेशन कौन सा है 5-2-3-, तो कभी कभी आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए ये भी आता है कि कौन सा टेम्पलेट स्टैंड है कौन सा कोडिंग स्टैंड है, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है? ये भी देख सकते हैं कि जो आपका जो अपस्ट्रीम होगा वहां पर प्रोमोटर होगा स्ट्रक्चर जिनका, और डाउन स्ट्रीम में टर्मिनेटर होगा, तो इससे भी आप गेस कर सकते हो कि कौन सा अपस्ट्रीम है कौन सा लोअर स्ट्रीम है अकॉर्डिंग टू दैट। अपस्ट्रीम ये है तो 3-5 क्या होगा बताओ टेम्पलेट, एंड 5-3 क्या होगा कोडिंग स्टैंड, क्लियर? तो आप इसके कुछ अब इसके ये लिख लेना, एक तो लिख लेना कि इससे मतलब पोलैरिटी क्या है ना, पहला आप ये लिखना कि
स्टैंड सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस, कोडिंग स्टैंड कुछ सर्व नहीं करता, ये बस कॉम्प्लीमेंट्री है टेम्पलेट स्टैंड का। दूसरा पॉइंट में ये लिखना, इसके जो सीक्वेंस होगा वो टेम्पलेट का सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए होगा या सिंथेसाइज्ड एमआरएनए, एंड कोडिंग स्टैंड का सेम इधर होगा, बस एक डिफरेंस है थायमिन यूनिवर्सल का वाला, ठीक है। एंड लास्ट वाला इज पोलैरिटी कि टेम्पलेट में 3' टू हेड डैश एंड कोडिंग में हेड डैश टू 3', ठीक है। चलो अब इट्स क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट, ये लिस्ट टू एसेंशियल रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। चलो ये भी देख लेते हैं, ट्रांसलेशन के वक्त राइबोसोम कैसे काम होते हैं। तो इसके लिए पहले ट्रांसलेशन पे तो चलते हैं, ये रहा ट्रांसलेशन, ये फोटो देखते हैं, ये फोटो, ये राइबोसोम का शॉर्ट यूनिट है जिसमें एमआरएनए जुड़ा है, एमआरएनए में कोडन है, कोडन को ये टीआरएनए का एंटीकोडन रीड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट टीआरएनए एडाप्टर मॉलिक्यूल नया नया देखो है ना, ये साइड है इसमें जो नया नया आरएनए आ रहे हैं रीड कर रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ऐसा करके पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, डिस्क्राइब करते हैं ट्रांसलेशन में। अच्छा सो फॉर ट्रांसक्रिप्शन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहली चीज इसमें जो चीज है एक है इनिशिएशन, नेक्स्ट वन इज एलोंगेशन एंड लास्ट वन इज टर्मिनेशन, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इनिशिएशन एयूजी वाला कोड जो है मैंने देखा आपको दिखा ना, एयूजी कोड जहां इसको दिखा इस कोडन में, तो इसने रीड किया। अब रीड करने के बाद टीआरएनए अकॉर्डिंग टू दैट उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री आएगा है ना, एंटीकोडन आएगा, वो रीड करेगा और शुरू करेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड आएगा। अब उस एमिनो एसिड आया फिर उसके बाद इनिशिएशन कोड हो गया ना, तो एलोंगेशन प्रोसेस में क्या होगा, राइबोसोम एक कोडन पास कर जाएगा डाउन स्ट्रीम इस तरफ मूव कर जाएगा, एक राइबोसोम जब मूव करेगा तो फिर राइबोसोम का वाला पार्ट फिर नेक्स्ट क्या होगा, वो रीड करेगा नेक्स्ट कोडन को, तो रीड करेगा तो फिर से एक चार्ज टीआरएनए आएगा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसका ना, तो एमिनो एसिड बी आर ब्रिंग द टीआरएनए व्हिच इज लिंक्ड टू द फॉर्मर एमिनो एसिड, फॉर्मर एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे करके फिर एलोंगेशन होते जाता है, अल्टीमेटली जब एक यूएजी यूजीए यूएए ऐसे टाइप की कुछ कोडन आता है जिसके अकॉर्डिंग कोई चार्ज डीआरएनए हमको मिलता नहीं है, फिर हम क्या होता है बंद हो जाता है, दैट इज टर्मिनेशन प्रोसेस, दैट इज ट्रांसलेशन। अब इस ट्रांसलेशन में राइबोसोम क्या फंक्शन है भाई, राइबोसोम कैसे काम कर रहा है, तो इसे समझने के लिए आप ऐसे समझो कि राइबोसोम पहली चीज तो ये वो साइट है जहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, इसके बाद दो सब यूनिट है, लार्जेस्ट सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। अब इस लार्जेस्ट सब यूनिट किसके लिए काम कर रहा है, इट सर्व एज अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है ना, एंड स्मॉलर सब यूनिट क्या कर रहा है, एमआरएनए मॉलिक्यूल से बंद कर रहा है, तो इससे कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस इन कॉम्प्लेक्स। तो ये पहला एसेंशियल रोल हो गया। दूसरा रोल ये है कि लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के पास दो साइट होते हैं है ना, तो इससे क्या होता है कि एमिनो एसिड फैसिलिटेट होते हैं, मतलब दो पेप्टाइड बॉन्ड अगर बन रहा है तो दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनने के उनको प्रॉक्सिमिटी चाहिए, क्लोजनेस चाहिए, इस प्रॉक्सिमिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए लार्ज सब यूनिट के पास दो ऐसे साइट होते हैं जहां पर टीआरएनए मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। इससे क्या होगा, दोनों प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, दोनों है ना अच्छे से दोनों आसपास आएंगे, तो पेप्टाइड बॉन्ड भी फॉर्मेशन होगा। ऑल्सो लास्ट फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं कि राइबोसोम एक्ट एज द कैटलिस्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, 23S जो आरआरएनए है ना वो राइबोसाइम की तरह काम करते हैं बैक्टीरिया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इस प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन सा एंजाइम है, आप बोलो इसमें कोई एंजाइम दिख रहा है आपको, नहीं है ना कोई एंजाइम ट्रांसलेशन के लिए, इसमें एंजाइम कौन काम कर रहा है, राइबोसोम खुद एंजाइम है, तो इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट और इट एक्ट्स एज एंजाइम इन दिस प्रोसेस एंड ऑल्सो इट एज अ कैटलिस्ट इन 23S राइबोसोम, तो राइबोसाइम की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो थ्री फंक्शन आप लिखना, पहला टू एसेंशियल वर्ड मैं टू ही बोलता हूँ, तो पहला ये कि जिसमें लार्जेस्ट सब यूनिट आपके एमिनो एसिड से बाइंड करता है, स्मॉलर सब यूनिट एमआरएनए से बाइंड करता है, एक प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है पहली चीज। दूसरे ये है कि इसमें दो अलग अलग साइड होते हैं लार्ज सब यूनिट के टीआरएनए के बाइंड करने के लिए, इसमें प्रॉक्सिमिटी मिलता है जिससे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन फैसिलिटेट होते हैं, और थर्ड वन इज आरएनए खुद एक एंजाइम की तरह काम करता है इस प्रोसेस के लिए। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नाइंथ क्वेश्चन इज ऑल्सो ओवर, टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। इन द मीडियम वेयर एस्चेरिचिया कोलाई इज ग्रोइंग लैक्टोज वॉज एडेड विच इंड्यूस द लैग ऑपरेंट, चलो मैंने बताया लैग ऑपरेंट बाद में डिस्कस करेंगे, चलिए अभी लैग ऑपरेंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। देन व्हाई डज द लैग ऑपरेंट, क्वेश्चन समझो, मैंने बोला कि क्वेश्चन में पूछा गया कि एस्चेरिचिया कोलाई जो मीडियम में ग्रोथ कर रहा था, मैंने वहां पर लैक्टोज ऐड किया,
जिसमें वो लैक्टोज जो लैकोपेरन को इंड्यूस करता हो। फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि लैकोपेरन कुछ टाइम के बाद लैकोपेरन शट डाउन हो जाता है सम टाइम आफ्टर द एडिशन ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के एडिशन के कुछ टाइम बाद क्यों ये बंद हो जाता है ये लैकोपेरन। तो इसे समझने के लिए आपको लैकोपेरन समझने को लैकोपेरन रेगुलेशन में था ना, रेगुलेशन में आपको चार स्टेप बताया था, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग वाला लेवल, ट्रांसपोर्ट वाला लेवल, ट्रांसलेशन वाला लेवल। ओके नाउ लैकोपेरन इज स्पेशल केस। ये देखो लैकोपेरन, तो पहले लैकोपेरन समझो है ना। लैकोपेरन क्या है, एक ऐसा इसमें समझना, इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस याद रख लेना, दैट इज PIPOZYA, पीपोजया ऐसे आप सकते हो। ये प्रोमोटर वाला रीजन है, ये इंड्यूसर रीजन है, ये ऑपरेटर रीजन है, ये कुछ जीन है ZYK। हर एक ये जो स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट है तीन है ना, स्ट्रक्चरल जीन है ये वाला, ये तीनों, तो ये तीनों मिला के आपको अलग अलग एंजाइम्स देंगे। जैसे जेड से आपको बनेगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से बनेगा पार्मियस, एंड ए से ट्रांसलेटेस है ना, ट्रांसलेशन। सो ये समझो कि कैसे लैकोपेरोन काम करता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो देखो, जब कोई इंड्यूसर नहीं था ठीक है ना, तब ये जो पार्ट है इससे एक रिप्रेसर, आई वाला जो पार्ट है इससे एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनता है। रिप्रेसर पहले एमआरएनए बनेगा, उस रिप्रेसर एमआरएनए से क्या मिलेगा आपको बताओ, रिप्रेसर एमआरएनए मुझे मिलेगा रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर रीजन में बाइंड करता है, रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द, अगर ये ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर गया तो आगे ये फिर जो हमारा आपने देखा था ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कि प्रोमोटर रीजन होता, फिर स्ट्रक्चर में तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मूव करता था, अगर हमने रिप्रेसर बाइंड कर दिया तो फिर स्ट्रक्चर जीन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, अगर स्ट्रक्चर जीन तक नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब कर पाएगा ओपेरन को, नहीं कर पाएगा। इट इज द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब कोई इंड्यूसर है नहीं। तो लैकोपेरन के केस में इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज, ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो मैंने बताया कि स्ट्रक्चर में तीन, एक प्रोमोटर जीन है, एक ऑपरेटर जीन है, और एक रेगुलेटर जीन है ना लैकोपेरन में। अब लैक्टोज जो इंड्यूसर की तरह काम करता है, ये क्या करेगा, ये आके तुम्हारे रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो है उसके बाइंड कर देगा, और रिप्रेसर मॉलिक्यूल को ये करेगा इनएक्टिवेट। अगर रिप्रेसर मॉलिक्यूल इनएक्टिवेट हो गया फिर आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल रहा है प्रोमोटर एरिया से बाइंड करने के लिए, और इसको अगर प्रोमोटर एरिया से बाइंड करने के लिए मौका मिल रहा है और स्ट्रक्चर एरिया तक ये ट्रांसक्राइब कर सकता है, फिर क्या करेगा ट्रांस बताओ, लैक्टोज इज मेटाबोलाइज, फिर लैक्टोज मूव करेगा ट्रांसक्राइब करेगा, तो ये लैक एमआरएनए बनेंगे, लैक एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन से लैक एमआरएनए बनेगा, लैक एमआरएनए से ये बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये वाई से वाला पार्ट से पार्मियस, ये वाला पार्ट से ट्रांसलेस बनेगा, ठीक है। अब ये तो लैकोपेरन का नॉर्मल केस था, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ये समझो। क्वेश्चन में पूछा गया था, मैं फिर से क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाई डज लैकोपेरन शट डाउन आफ्टर सम टाइम आफ्टर एडिशन द लैक्टोज। लैक्टोज ऐड करने के बाद कुछ तो चल तो रहा था, लेकिन ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं चलता, कुछ टाइम बाद ये बंद क्यों हो जाता है ना। तो ये समझो कि लैक्टोज, देखो लैक्टोज एक मेटाबोलाइट है ना, तो लैक्टोज ये बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है ये सब करेंगे हमेशा, तो लैक्टोज मेटाबोलाइज होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम दैट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज है ना, तो ये एक्ट करके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोन तोड़ देगा। अगर लैक्टोज तोड़ रहा है तो एक्शन एंजाइम की वजह से लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोन तोड़ जाएगा, अब इंड्यूसर लेवल इतना घट जाएगा लैक्टोज अगर तोड़ते जा रहे हो, जितने आपके पास लिमिटेड अमाउंट ही होगा ना, ऐसा नहीं अनलिमिटेड लैक्टोज है, लिमिटेड अमाउंट है, तो उस लैक्टोज के अमाउंट जब इंड्यूसर का लेवल जब घटता जाता है तो एंजाइम क्या करता है ना, उस डिक्रीजेस, जब एंजाइम को मेटाबोलाइज करने लगता है तो इंड्यूसर घट जाएगा, पर इंड्यूसर घटेगा तो रिप्रेसर के साथ कोई बाइंड नहीं करेगा, रिप्रेसर का सिंथेसिस बढ़ेगा, फिर रिप्रेसर जाएगा ऑपरेटर से बाइंड करेगा, और ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो ऑपरेटर रेस्ट्रिक्ट करेगा क्या, ऑपरेंट के मूवमेंट को, आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को ट्रांसक्राइब करने नहीं देगा, तो इससे वजह से ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। इसे हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन। मतलब क्या, ऐसा नहीं कि ये अगर इंड्यूसर रहे तो अनलिमिटेड चलता रहेगा, अगर ये इंड्यूसर है ये खुद बना रहा है लैक एमआरएनए जिससे बीटा गैलेक्टोसिडेज पार्मियस ये एंजाइम्स मिल रहे हैं,
और ये एंजाइम खुद जाके फिर लैक्टोज को तोड़ रहा है, ये एंजाइम जाके फिर ये एंजाइम को तोड़ रहा है, जिसकी वजह से ये फिर फिनिश हो रहा है, ये अगर फिनिश हो रहा है तो फिर ये इंड्यूसर एब्सेंट हो रहा है, इंड्यूसर एब्सेंट रिप्लेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगा और ये आरएनए, ये आरएनए पॉलीमरेज मूवमेंट नहीं कर पाएगा, आरएनए मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो फिर अपेरेंट ट्रांसफर नहीं होगा, दिस इज नेगेटिव रेगुलेशन। ओके, और एक चीज यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन काफी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा भी होगा ना कि यार इंड्यूसर लैक्टोज को अंदर आने के लिए पार्मियस चाहिए, लेकिन पहले कैसे लैक्टोज अंदर आ रहा होगा, है ना, पहले तो लैक्टोज नहीं था, फिर मतलब ये लैक्टोज जो बाहर है वो अंदर कैसे आ रहा है, पार्मियस बनना तो चाहिए ना। तो ये समझो कि हर वक्त ना थोड़ा करके लैक ओपेरियन जो है फुल्ली, ऐसा नहीं फुल्ली शट डाउन रहता है, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में कुछ कुछ है ना, कुछ कुछ प्रेशर मतलब कुछ कुछ लैक्टोबैसिलस एक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये एंजाइम थोड़े थोड़े करके प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से पार्मियस थोड़ा प्रेजेंट होता है, जो कि इंड्यूसर मॉलिक्यूल ट्रांस लैक्टोज को अपने कल्चर मीडियम से है ना सेल के अंदर आ सकते हैं, और ये सेल के अंदर आएगा तो फिर रिप्लेसर के साथ बाइंड करेगा, रिप्लेसर के साथ बाइंड करेगा तो फिर ये बताओ आरएनए पॉलीमरेज के जो है ना ऑपरेटर रीजन से बाइंड नहीं करेगा, तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर करेगा ऑपेरन को, लैग ऑपेरन से लैग एमआरएनए बनेगा, लैग एमआरएनए से फिर ये बीटा कलेक्टोसिडेज पार्मियस ट्रांसफर से सब्जेक्ट्स बनेंगे ट्रांसमिशन से, और ये बीटा कलेक्टोसिडेज फिर जाके लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, अल्टीमेटली जब इसको तोड़ते जाएगा तोड़ते जाएगा तोड़ते जाएगा तो एक टाइम आएगा जब घट जाएगा इंड्यूसर, इंड्यूसर घट जाएगा तो रिप्लेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो फिर ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, दिस इज नेगेटिव रेगुलेशन। क्लियर, आवर 10th क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। अभी बाकी ये दो क्वेश्चन रह गए हमारे। एक्सप्लेन वैलिज इज अ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, क्या फंक्शन है प्रोमोटर का, क्या फंक्शन है टीआरएनए का, क्या फंक्शन है डिफरेंस का। टीआरएनए का थोड़ा बहुत तो मैंने आपको डिफरेंस में बता दिया था एमआरएनए का, ठीक है, ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं प्रोमोटर का, टीआरएनए एंड एक्सॉन्स, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो अच्छे से कर लेना, बोर्ड्स में आप ऐसे करके लिख कर स्टेप से आपको अभी से बना लेना है ना, तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे लिख लेना। ओके, लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोमोटर, ये डीएनए का मैं ओपन करता हूँ फिर से वो वाला डायग्राम, ये है प्रोमोटर, क्या है प्रोमोटर, ये डीएनए का वो पार्ट है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करता है, तो आप लिखना दिस इज द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, एंड द नेक्स्ट वन इट एक्ट्स एज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा तो किससे आके जुड़ेगा, ऐसा नहीं ट्रांसक्रिप्शन कहीं से भी शुरू करता है, वो प्रोमोटर से आके बाइंड करता है, जिसके पास एक फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर जो इससे बाइंड करता है, तभी जाके प्रोमोशन होता है, तभी जाके स्टार्ट होता है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो फंक्शन ये दोनों लिख देना कि इससे शुरू हो रहा है और ये बाइंडिंग करने के लिए साइट भी दे रहा है, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, तो बताओ पहले लिख देना व्हाट इज ट्रांसफर आरएनए, इसे स्मॉल क्लोवर शेप्ड आरएनए जो जेनेटिक कोड को है ना, जो एमआरएनए जेनेटिक कोड लोकेट है उसको रीड करता है, किससे एंटीकोडोन से, और ये रीड करने के बाद पार्टिकुलर एमिनो एसिड को उस साइट ऑफ सिंथेसिस में लाता है, है ना। स्पेसिफिक टीआरएनए आर प्रेजेंटेड विद प्रेजेंट फॉर स्पेसिफिक एमिनो एसिड, हर एक एमिनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए है, एक्सेप्ट फॉर स्टॉप कोडोन नहीं है, इसलिए तो स्टॉप कोडोन है ना। तो फंक्शन ऑफ टीआरएनए समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सॉन्स, एक्सॉन्स मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस। यूकेरियोट में, ये प्रोकैरियोट में नहीं दिखता, यूकेरियोट्स में कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए है ना, कुछ पार्ट होंगे, जैसे ये मान लो डीएनए है आपका फुल्ली डीएनए, ये बता रहा हूँ मैं डीएनए, डीएनए तो इसके कुछ पार्ट जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ पार्ट जो है एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, फिर कुछ पार्ट होंगे तो एक्सप्रेस कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो दिस आर द कोडिंग सीक्वेंस, ये वो पार्ट है जो कोड कर रहे हैं डीएनए का, है ना। तो अगर ये कोड करेंगे तभी तो ट्रांसक्राइब होगा प्रोटीन, तभी ट्रांसलेट होगा, तभी हमको प्रोटीन मिलेगा, तो एक्सॉन का वो पार्ट जो ट्रांसक्राइब करता है दैट इज एक्सॉन्स, सॉरी मतलब ये जो डीएनए है इसके हर पार्ट कोडिंग नहीं करता होगा, कुछ पार्ट है जो स्पेसिफिक है जो कोडिंग करते हैं, जिनसे हमें ट्रांसक्राइब करके हमें प्रोटीन मिलता है, तो अगर ये प्रोटीन को कोड कर रहा है देन ये एक्सॉन्स है, और एक्सॉन के बीच में जो पार्ट नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, जो नहीं एक्सप्रेस कर रहा है वो कौन है, इंट्रोन। अब इंट्रोन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यूकेरियोट में ना, यूकेरियोट के टाइम के साथ साथ जब हम इवॉल्व हुए हैं तब हमें कुछ चेंजेस आए, कुछ मॉडिफिकेशंस आए, वन ऑफ देम इज इंट्रोन एक्सॉन। अब देखो आप खुद ही मानो ना, अगर इंट्रोन्स नहीं होता तो अगर थोड़ी सी भी कुछ चेंजेस, थोड़ी सी भी कुछ हार्मफुल रेडिएशन, थोड़ी सी कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो भी म्यूटेशन के लिए रीजन क्रॉस करते हैं ना, तो अगर थोड़ा भी प्रेजेंट होते हैं तो वो तो कम्प्लीट डीएनए को चेंज कर देते ना, इसीलिए एक्सॉन्स है। आप खुद ही सोचो, मान लो आपके घर में कोई चोर आया है,
आपके पास बहुत से बुक्स हैं, कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट बुक है, कुछ आपके लिए अनइम्पोर्टेंट, लेकिन आपके आपके जो लाइब्रेरी है उसमें मतलब आपका जो बुक शेल्फ है उसमें सारे आपके इम्पोर्टेंट बुक्स है, रीडिंग बुक्स है। तो अगर कोई चोरी करता है तो आपके पूरा नुकसान हो गया। लेकिन अगर आपके पास मान लो उस बुक शेल्फ में कुछ रीडिंग के बुक्स भी है और कुछ कॉमिक्स के बुक, कुछ कहानी लिखा हुआ जो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वो भी रखा है आपके साथ में, तो अगर चोरी करता है तो आपको उतना ज्यादा नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो एक्सोन इंट्रोन का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है, अगर इंट्रोन एक्सोन के बीच में प्रेजेंट है तो उससे क्या फायदा मिलता है कि जब आप म्यूटेशन कर रहे हो तो इसमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये जो इंट्रोन वाला पार्ट है ये तो आपको बचा रहा है, ये वाला पार्ट तो कुछ मतलब इसमें अगर चेंजेस होता भी है ये तो कोडिंग में एक्सप्रेस नहीं होगा ना, लेकिन अगर पूरा अगर एक्सोन होते हैं पूरा भी चेंजेस देखोगे ना तो कंप्लीट चेंज आएगा। इसे आप देखोगे प्रोकैरियोट वगैरह मतलब बैक्टीरिया वगैरह बहुत ज्यादा इवॉल्व करते हैं, हर दिन ये इवॉल्व करते रहते हैं, हम इतना ज्यादा स्पीड में इवॉल्व करते हैं क्या? नहीं, इसकी वजह से ये तो कुछ चीज है प्रेजेंट है। ओके चलो क्लियर ना, बाकी और दो क्वेश्चंस रह गए हैं डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, ये क्लियर है 11th क्वेश्चन आई थिंक इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं? समझो मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, ठीक है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों है इम्पोर्टेंट, इससे क्यों मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है? तो देखो पहली चीज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसलिए मेगा प्रोजेक्ट है, इसका जो गोल्स थे वो बहुत लार्ज था, इसे कंप्लीट होने में 13 years लगे। अल्टीमेटली 1990 में ये स्टार्ट हुआ था, एंड हुआ मई 2003 में। आप देखो कंप्लीटेड इन 2003, 13 years का प्रोजेक्ट है जिसमें इतने सारे एजेंसीज, इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने सारे कंट्रीज ने ज्वाइन किया था। देन इसका अगर आप एक बार कॉस्ट भी देखो तो ये अप्रोक्सीमेटली $9 billion था। देन तो फिर क्या क्या रीजन है? पहली चीज एक मेगा प्रोजेक्ट है क्योंकि इसका स्केल एंड गोल बहुत लार्ज था, हम चाह रहे थे कि हर एक बेस पेयर को हम लोकेट करेंगे ह्यूमन जीनोम में, जिसमें 13 years लग गया। इसमें लार्ज स्केल में नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए कंप्यूटर्स, नए नए इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था ना, तो उसके लिए नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए इंफॉर्मेशन, नए नए इंफॉर्मेशन के लिए नया स्ट्रीम ऑफ जीनोमिक स्टडीज, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अलग से हमारा एक स्कोप है जिसके लिए अलग अलग एरियाज, अलग अलग पॉसिबिलिटीज है ना, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल साइंस में हर जगह। अगर हमें ह्यूमन जीनोम में हर एक बेस पेयर पता है कौन सा बेस पेयर किसके लिए रीजन है, तो हम डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके लिए प्रिवेंशन ढूंढ सकते हैं ना। इसके एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, हम इंडस्ट्री में यूज भी कर रहे हैं, बोला भी ह्यूमन जीनोम आप देखोगे तो हम इसमें हर एक जीन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। या हमने फिर हमने हर एक 3 billion केमिकल बेस पेयर को डिटरमाइन करने का सीक्वेंस को डाटाबेस को स्टोर करो ना, इनके लिए अलग से टूल बनाओ ना, अलग अलग टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री में यूज करना, देन एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज को हैंडल करना। सो ऑल दिस मेक दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आज मेगा प्रोजेक्ट। तो अगर बोला गया व्हाई इट इज अ ह्यूमन मेगा प्रोजेक्ट, आपको बताना कि इसके जो गोल एंड स्केल थी ये बहुत लार्ज था। अब ये गोल बता सकते हैं, देखो ना गोल्स देखो, पहले गोल्स ये ऑलरेडी इतना है कि इसे कंप्लीट करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट ही होगा। हर एक बेस पेयर को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, सीक्वेंस करना चाहते हो, हर एक जीन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, जीन का फंक्शन आइडेंटिफाई करना चाहते हो, आप उनको स्टोर करना चाहते हो, इसलिए आपको अलग से टेक्नोलॉजी चाहिए, अलग से कंप्यूटर्स वगैरह चाहिए, अलग इसके अलावा इन्फॉर्मेशन की एक साइड ही खुल गया, मतलब अलग एक ब्रांच हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ना। फिर इसके इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके इंडस्ट्री वगैरह में यूज करना है, उनके लिए टूल बनाना, तो एंड फिर लीगल इश्यूज को वगैरह को चेंज मतलब ये सब एड्रेस करना है, तो उनके लिए लिया मेगा प्रोजेक्ट, जिसमें अब इसके फिर कॉस्ट देख सकते हो, अब इसका लार्ज स्केल समझ सकते हो है ना, कॉस्ट। एंड फिर ये जो एग्जाम्पल दिए गए 100 page वाला, 1000 page वाला एक बुक लिया जाए जिसके हर पेज में 1000 letters भी होना, तो भी 3300 आपको बुक्स चाहिए। तो सोचो इसका लेवल सोचो, लार्ज कितना लार्ज इसके में हुआ होगा, 13 years लगे थे इतने सारे कंट्रीज को मिलके काम करने में, ठीक है? That makes it a mega project, okay? Now ये भी कवर हो गया। Now the next question is, what is DNA fingerprinting? Mention its application. DNA fingerprinting सबसे important application है, that is DNA fingerprinting. DNA fingerprinting क्या है? And इसके application को हम describe करते हैं, ठीक है? चलो, what is DNA fingerprinting? आप बोले जो भी आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट क्या, आपके फिंगरप्रिंट है ना, फिंगरप्रिंट में ऐसा कि आइडेंटिफिकेशन में हम यूज कर रहे हैं, आपका फिंगरप्रिंट आपके दोस्त से अलग होगा ना,
फॉर आइडेंटिकल ट्विंस, उनके भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, लेकिन उनका डीएनए सीक्वेंस आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज कि हर एक पॉपुलेशन में एक्सेप्ट फॉर वो दोस हु आर आइडेंटिकल ट्विंस, हर किसी में जेनेटिक डिफरेंस आपको दिखेगा, है ना, बी फिनोटाइपिक डिफरेंस और जीनोटाइपिक। जीनोटाइप में आपको अगर फिनोटाइप सिमिलरिटी में मिल रहा है तो जीनोटाइप में आपको अलग दिखेगा ही, तो दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप ऐसे लिखो कि दिस इज अ टेक्निक, है ना, दैट इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द वेरिएशंस डिफरेंट इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की डीएनए लेवल में, मतलब तो लिखो द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ऑल्सो एनालाइजिंग द वेरिएशन, है ना, ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द डीएनए लेवल। डीएनए लेवल में क्या वेरिएशन है उसको आइडेंटिफाई करना एंड एनालाइज करना, एंड देन इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वेरिएबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। जब हमने डीएनए सीक्वेंसिंग किया तो हमें पता चला कि डीएनए सीक्वेंसिंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज इसमें पॉलीमॉर्फिज्म एंड वेरिएशन दिखता है। तो ये जो वेरिएशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म का जो प्रॉपर्टी है इसे ही यूज किया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है। तो इसके प्रोसेस आप पढ़ लेना है यहाँ से, ठीक है। आइसोलेशन डीएनए, देन डाइजेशन बाय रिस्ट्रिक्शन मेमिफेसेस, फिर उसको अलग करना इलेक्ट्रोफोरेसिस में, फिर उसको ट्रांसफर करना ब्लॉटिंग, है ना, एक फ्रेगमेंट को फिर हाइब्रिडाइजेशन करना बाय लेबल्ड बीएनडीआर प्रोब, एंड आफ्टर दैट यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफ यू कैन आपको मान लो एक बॉडी मिला है, ठीक है, जैसे जो ऑलरेडी बर्न्ड है या फिर जल गया हो या फिर आप उसको कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, बॉडी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो इन दैट केस यू कैन यूज इट, है ना, आप फॉरेंसिक से यूज करके डीएनए यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर ये हमें क्राइम सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, जैसे ये मान लो आपको क्राइम सीन में ऐसा कुछ मिला है डीएनए सैंपल, आप ये दोनों सस्पेक्ट है, देखो कौन सिमिलर है, वही सस्पेक्ट, है ना। फिर ऐसे करके हमें यूज किया गया है। फिर एस्टेब्लिशिंग फैमिली एंड पेरेंटल रिलेशनशिप्स, ये देखो ये एग्जैक्टली सिमिलर है क्योंकि सेम के है, लेकिन अगर आप फैमिली में वगैरह में देखोगे तो इनमें सिमिलरिटी दिखेगा, ठीक है, पेरेंटल पैटर्न में। तो अगर आपको लग रहा है कि फैमिली पैटर्न आप चूज नहीं कर पा रहे हो, पैटर्निटी होना है कि कौन पापा है ना, उस केस में आप इन्हें यूज किया जाता है टू चेक इट, है ना। एंड देन तो आप क्या लिखोगे, इज आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल क्राइम सस्पेक्ट्स, देन आया टू एस्टैब्लिशिंग फैमिली एंड पैटर्निटी रिलेशनशिप्स, दो हो गए। तीसरा लिखो कि उस पर आइडेंटिफाइंग एंड प्रिजर्विंग द कमर्शियल वैल्यूज ऑफ, जैसे मान लो बहुत से क्रॉप्स वगैरह है, लाइव स्टॉक है ना, इनको कमर्शियल जो इनका वैरायटी है इनको भी मान लो हमें मिला है कि ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए आइडेंटिफाई करना है कौन सा है इनमें से, ठीक है, उसके लिए भी यूज करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक वगैरह क्रॉप्स वगैरह है, उनको स्टोर करने के लिए भी हमने इसे यूज किया है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमने ऐसे करके हर एक ह्यूमन के लिए निकाला है इसको, हमने अगर बहुत से मान लो एंसेस्टर हमारे जो है ना बहुत से अलग एनिमल्स के साथ कंपेयर जब किया तो हमें दिखा सिमिलरिटीज, और हमें जो सिमिलरिटी दिखा उसको इसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन के हमें लिंक दिख रहे हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एंटिटीज के बीच में उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कनेक्शन करना, डिस्कवर करना, ठीक है। यू कैन लाइक द डिस्कवरिंग अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन एंटिटीज एंड ऑल्सो लिंक the ancestrals ancestors, है ना, okay, चलो right, this were the helpful applications of DNA fingerprinting। लिखा होगा ना आप, चार रूप में बताया, एक crime suspect forensic science में, forensic science में crime suspect identify करने के लिए, फिर paternity और family family and paternity relationship establish करने के लिए, फिर livestock वगैरह crops इनको store करने के लिए identify करना, फिर ancestral and evolutionary history and relationship करने के लिए, okay, this other application, important application for DNA fingerprinting। Now the last question, इसमें पूरा chapter given है, transcription, polymorphism, translation, bioinformatics। तो briefly हर एक को describe करते हैं, ठीक है ना? पहले describe करते हैं transcription को, चलो। मैं transcription आपको briefly बताया है already, फिर से मैं describe कर देता हूँ, ठीक है? What is transcription? तो ये ट्रांसक्रिप्शन एक यूनिट है जिसमें प्रोमोटर यूनिट आता है, स्ट्रक्चर जीन आते हैं, टर्मिनेटर, इसमें टेम्पलेट स्टैंड होता है, कोडिंग स्टैंड, व्हाट इज टेम्पलेट, व्हाट इज कोडिंग, वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। अब समझो कैसे होता है, ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है,
इसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए पहले ये समझो। आपके पास ये प्रोमोटर जीन है, ये प्रोमोटर स्ट्रक्चर जीन पर टर्मिनेटर जीन, और इसमें फिर आपको क्या क्या चीजें चाहिए, डीएनए टेम्पलेट चाहिए आपको, आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए आपको, फिर एक राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए ना, हर टाइप का है ना, एडेनिन के लिए थायमिन भी आपको चाहिए, हर एक टाइप का फोर टाइप्स के राइबोन्यूक्लिक एसिड भी आपको चाहिए, तो प्रोटीन्स आरएनए है ना, एंड आल्सो यू नीड को फैक्टर्स लाइक मैग्नीशियम 2+ को बाइंड भी करना है ना इनको, एंड आरएनए पॉलीमरेज के एक्ट के लिए भी मैग्नीशियम 2+ चाहिए, तो इन सब इन रिक्वायरमेंट्स। देन आप सिग्निफिकेंट इवेंट अगर मैं बताऊं आपको, तीन इवेंट होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, इन तीनों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कैसे होगा, इसमें जो अपोसिटर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएटेड व्हेन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जब एक इनिशिएशन फैक्टर है ना बाइंड करता है बीच से, दैट इज सिग्मा फैक्टर, तो ये जाके प्रोमोटर रीजन से बाइंड करेगा अगर टेम्पल डिस्टेंट, और ये ना आरएनए पॉलीमरेज जब टेम्पल बॉन्ड से बाइंड करेगा, जब इनिशिएशन प्रोमोटर फैक्टर्स है ना, जो ये प्रोमोटर है, प्रोमोटर रीजन से अगर सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज को, तो ये प्रोमोटर रीजन में जाएगा और इनिशिएशन करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें डीएनए डुप्लेक्स हो क्या करेगा, डीएनए डुप्लेक्स दोनों अलग अलग स्ट्रैंड को पहले अनवाइंड करेगा ना, ऐसे ही तो अलग तो नहीं कर सकते, तो अलग करो पहले, अनवाइंडिंग किया जाएगा, फिर एक स्ट्रैंड उनमें से सेंस स्ट्रैंड है ना, जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और एक नॉनसेंस स्ट्रैंड जो कोडिंग स्ट्रैंड की तरह, वो टेम्पलेट की तरह काम नहीं करेगा, लेकिन जो अल्टीमेट हमारे एमआरएनए का सीक्वेंस आएगा वो सिमिलर होता है, उसे हम नॉनसेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। तो सेंस स्ट्रैंड जो है उसकी तरह ही, बताओ क्या, कि वो एक सेंस स्ट्रैंड आएगा जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट आरएनए पॉलीमरेज उस पे काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जीएनटीपीज एंड रॉ मटेरियल पॉलीमराइज करेगा, जिससे एमआरएनए हमेशा अल्टीमेटली बनेगा हमें, है ना, एज पर द कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो टेम्पलेट डीएनए में जो है मान लो एटीजीसी है, तो अकॉर्डिंग टू ए की कॉम्प्लीमेंटरी यू है ना, टी की कॉम्प्लीमेंटरी ए, जी की कॉम्प्लीमेंटरी सी है ना, ऐसे करके न्यूक्लिक एसिड बाइंड करते जाएंगे, एमआरएनए बनता जाएगा, ये फेनोमेनन हेलिक्स का खुलता जाएगा, है ना, मतलब ये हेलिक्स पहले ओपनिंग होता जाएगा, अनवाइंडिंग चलता जाएगा, एंड आरएनए पॉलीमरेज इस पे एक्ट करते करके 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 बताओ एलॉन्गेट करता जाएगा एमआरएनए को, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज, ये तब तक चलेगा जब तक ये एंजाइम टर्मिनेटर रीजन तक ना आए, इनिशिएशन हुआ, एलॉन्गेशन हुआ। अब टर्मिनेटर रीजन वो रीजन है जब यहाँ पर क्या होता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन में आता है, तो इससे एक रो फैक्टर बाइंड करता है, तो टर्मिनेटर रीजन में प्रेजेंट है ये रो फैक्टर, इसको बाइंड अल्टीमेटली टर्मिनेट कर देता है, जिससे ये प्रोड्यूस जो फ्रेशली प्रोड्यूस एमआरएनए है ना, ये फिर अगर ट्रांस मतलब बंद हो गया, तो फिर ये जो एमआरएनए बना है ये फिर रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा फैक्टर इसको कर रहा है, रो फैक्टर, ठीक है, जो इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एंड कर रहा है। तो आप समझो, पहले इनिशिएशन फैक्टर प्रोमोटर रीजन में सिग्मा फैक्टर था, जो आके बाइंड किया, जिसने इनिशिएशन किया, फिर डीएनए डुप्लेक्स में हेलिक्स क्या हुआ, अनवाइंडिंग हुआ, फिर आरएनए पॉलीमरेज से एक्ट करता गया वो, और राइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स है ना, न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड एड करते करते गया, मतलब दोनों को जोड़ते जोड़ते एमआरएनए बनता गया, एलोंगेशन चलता गया, तब तक चलता गया जब तक टर्मिनेशन तक पहुंचा। जब ये टर्मिनेशन तक पहुंचा, फिर इसमें एक रो फैक्टर मतलब जो टर्मिनेशन फैक्टर है वो बाइंड किया, एंड अल्टीमेटली इसमें क्या किया, रिलीज ऑफ एमआरएनए, क्लियर, यही लिखा है इसमें डिटेल में, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीमॉर्फिज्म। देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन के ये आप पहले रिक्वायरमेंट्स वगैरह, ट्रांसक्रिप्शन बेसिक लिख देना, ठीक है ना, फिर रिक्वायरमेंट्स वगैरह मैंने आपको जो बताया, ठीक है, फिर वो लिख देना, उसके बाद एंजाइम्स वगैरह डिस्क्राइब कर देना एंजाइम, एंड उसके बाद ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करके तीनों स्टेप आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज एलोंगेशन, सॉरी इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ओके। नथिंग इज पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, देखो पॉलीमॉर्फिज्म हमें तब समझ में आया जब हम डीएनए को सीक्वेंसिंग करने गए, हमें दिखा कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इट्स अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन में, ये देखो ये पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, ये समझ रहे है ना। तो देखो जब हमने डीएनए सीक्वेंसिंग शुरू किया है ना, डीएनए सीक्वेंसिंग जब हमने शुरू किया, तो हमें दिखा कि कुछ कुछ पार्ट डीएनए का ऐसा है जो बहुत ज्यादा मतलब वैरी करते हैं, लेकिन इनमें कुछ सिमिलरिटीज है। ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है हर एक इंडिविजुअल में अलग है, तो क्या है, हर एक डीएनए वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन इनमें से एक वेरिएशन ऐसा था जिनमें हमें दिखा कि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैन बी प्रेजेंट डिफरेंट साइड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। डीएनए के हर एक मॉलिक्यूल में कहीं हमने देखा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म था, कहीं डबल, कहीं चेंजेस, कहीं रिपीटेशंस, ठीक है,
तो पॉलीमॉर्फिज्म यही है कि जेनेटिक वेरिएशन है। हमने देखा कि बहुत से ऐसे जगह है जहां पर अलग अलग न्यूक्लियोटाइड देखने को मिला, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड देखने को मिला हमें, है ना। तो देयर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हेरिटेबल म्यूटेशन टू बी ऑब्जर्व इन अ पॉपुलेशन विच इमर्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ। तो पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, जब न्यू न्यू हमें जब इनहेरिटेंस देखने को मिल रहा है पेरेंट्स से न्यू स्ट्रैंड में, तो हमें ये फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है ना, आप देखोगे हर एक इंडिविजुअल में जब ये इनहेरिटेंस होता जाता है, तो ये जो हेरिटेबल म्यूटेशन है, जो म्यूटेशन हेरिटेबल हेरिट कर सकते नेक्स्ट पॉपुलेशन में जा सकता है ना, उनमें ये म्यूटेशन जो जार्म सेल एंड सोमाटिक सेल में चेंजेस आया है, ये चेंजेस आपको नेक्स्ट एंड नेक्स्ट पॉपुलेशन में मिलता है। अब ये जार्म सेल का म्यूटेशन जब एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग ऐसे जब चलता गया, तब एक्युमुलेशन होते गए ये डिफरेंट टाइप के म्यूटेशन। अब ये जो म्यूटेशन जब बहुत, अगर मान लो पहले एक जनरेशन में थोड़ा म्यूटेट हुआ, फिर एक्युमुलेट एक्युमुलेट ऐसा करके जब बहुत टाइम तक ये एक्युमुलेट होते गए, तब ये जो स्पीसीज है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म दिखा, इसमें वेरिएशन दिखा, ये अपने पेरेंटल से डिफरेंट दिखने लगे, है ना। एंड दिस इज कॉजिंग द वेरिएशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। और इसका क्या फंक्शन है, ये हमें नया स्पीसीज बनाना है, दैट इज कॉल्ड स्पीसीएशन। दिस हेल्प्स इन इवोल्यूशन एंड ऑल्सो इन स्पीसीएशन, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मैंने आपको पहले भी बताया, फिर भी बता देता हूँ, ट्रांसलेशन में क्या इंपॉर्टेंट है आप समझो। ट्रांसलेशन इज आरएनए से आपको कैसे प्रोटीन बनाना है, तो इसमें भी तीन स्टेप्स होते हैं। पहले आप समझो व्हाट इज आरएनए ट्रांसलेशन। इट इज अ प्रोसेस जिसमें एमिनो एसिड पॉलीमराइज करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, है ना। राइबोसोम होता है जो एमआरएनए को रीड करता है, उस ट्रिपलेट सीक्वेंस के बेसिस पे ही फिर एमिनो एसिड्स क्या करते हैं, फिर वो स्टीपर सीक्वेंस को, है ना, वो जो एमआरएनए का वो जो सीक्वेंस है, ये देखो ये जो सीक्वेंस है कोडन वाला रीजन, इसको राइबोसोम रीड करता है, ठीक है ना। राइबोसोम में राइबोसोम इसको हेल्प कर बाइंड करने में हेल्प करता है, फिर टीआरएनए मॉलिक्यूल इससे बाइंड करता है, वो रीड, है ना, राइबोसोम ने रीड किया, फिर उसने बोला कि इस टाइप का चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू वो एंटीकोडन जिस टीआरएनए के पास है, उस वो चार्ज टीआरएनए फिर आएगा उस एमिनो एसिड को लेके, ऐसे करके जब आते रहेंगे तो इनका फिर पॉलीपेप्टाइड बनेगा। एंड फिर तो कैसे होता है, देखो दिस इज द प्रोसेस वेयर इन द एमिनो एसिड आर पॉलीमराइज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एक राइबोसोम है ना, ये एमआरएनए को मॉलिक्यूल को रीड करके उस ट्रिपलेट सीक्वेंस जो उस ऑर्डर को डिफाइन करता है ना, एंड मतलब द ट्रिपलेट सीक्वेंस दैट बेस पेयर डिफाइन द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। वो ट्रिपलेट सीक्वेंस को राइबोसोम रीड करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट इट पॉलीमराइज टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। नाउ देयर आर थ्री स्टेप्स दैट आर इनिशिएशन, एलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन जब एयूजी अब दिखता है, तो एयूजी के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा, मिथियोनिन वाला टीआरएनए आएगा, मिथियोनिन वाला टीआरएनए आएगा, देन अकॉर्डिंग टू द आफ्टर दैट हर एक टीआरएनए आता जाएगा, और टीआरएनए मॉलिक्यूल के बीच में फिर ये क्या दिखेगा बताओ, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे, एंड पॉलीपेप्टाइड में उनका एलोंगेशन होता रहेगा। अल्टीमेटली तब तक ये चलता रहेगा जब तक ये स्टॉप कोडन, मतलब यूएजी यूजीए या फिर यूए तक ना आए। जब ये मॉलिक्यूल अल्टीमेटली वहां तक पहुंच गया, तो फिर इसके अकॉर्डिंग कोई कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए में नहीं मिलता है, तो फिर टर्मिनेशन ऑफ दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यूनिट कुछ पार्ट ऐसे भी है जो अनट्रांसलेटेड है, यूटीआर ये आप डिस्क्राइब ये कर लेना, ठीक। एंड एट द एंड जहां पर स्टॉप कोडन है वहां पर एक रिलीज फैक्टर भी होता है जो इस कॉम्प्लीट पॉलीपेप्टाइड फॉर्म को रिलीज करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसलेशन। लास्ट थिंग इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने किया, हमें बहुत से डाटा मिले, लाइक वी गेट डिफरेंट जीन्स, कितने जीन है, हर एक जीन में कितने बेस पेयर्स है, तो बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन आए। इन इन्फॉर्मेशन को हमने यूज करने के लिए अलग से ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, तो अलग से हमें एक एडवांस कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजीज बनाने पड़े, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन जिस फॉर्म जहां पर रिकॉर्ड किए गए, अलग से एक एरिया खुल गया बायोलॉजी में, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजीज, ये लिख लो, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल मेथोडोलॉजीज ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्ट्रीम। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वो स्ट्रीम जिसमें इसका कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल जो मेथोडोलॉजीज है उनका एप्लीकेशन। इट एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिकल इश्यूज
अराइज फ्रॉम द एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा से क्या क्या हमें इश्यूज आ रहे हैं इसको ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। द स्ट्रीम ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेवलप्ड कब बना, जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इतना ह्यूज अमाउंट में डाटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के बारे में सोचा, एंड उसका सिर्फ स्टोर ही नहीं उसको इजिली एक्सेस एंड उसको फिर बाद में हमें एनालिसिस करना है एंड यूज फॉर ऑल्सो यूज इट फॉर लेटर यूज, मतलब हमें पहले इसको स्टोर करना है फिर इसको एनालाइज भी करना है एंड बाद में यूज करने के लिए इससे हमें एनालाइज भी करना है ना एंड उसको इसे एप्लीकेशन भी करना है। तो ये जो इतना लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन ये जब स्टोर करने के बारे में व्हेन वी थॉट अबाउट टू स्टोर मैनेज फॉर इजी एक्सेस एंड एनालाइज दिस फॉर लेटर यूज वी नीड अ न्यू सेक्शन दैट इज बायोइनफॉर्मेटिक्स, क्लियर है ना। And is the bioinformatics includes creating biological databases which store huge amount of data on biology, ठीक है। इसमें बहुत से टूल है जो efficient and easy accessing of the data के लिए which can be used, ऐसे data जो use हो सकते हैं उनके लिए easily accessible and efficient tools इसमें बनाया है ना develop किए गए। Then bioinformatics also by नए नए it also brought new algorithms and statistical techniques hai na to figure out the dynamics between data, bahut se data ke dynamics ko identify karne ke liye naya algorithm naya statistical technique ko bhi figure out kiya gaya, theek hai। To predict the structure of protein and their functionalities and to group protein sequence into associated learning, bahut se dna ke sequence ko samjhna, theek hai, fir inka protein according se according kaun sa protein ban raha hai un protein ka sequence, theek hai, ये सारे चीजों को एक एफिशिएंट वे में इजीली एक्सेसिबल वे में बना मतलब डिस्क्राइब करने के लिए है ना स्टोर करने के लिए इजी एक्सेस करने के लिए एनालाइज फॉर लेटर यूज के लिए हमें बायोइनफॉर्मेटिक्स नाम का एक अलग से सेक्शन की जरूरत है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोइनफॉर्मेटिक्स। नाउ इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, ठीक है। एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया, बाकी कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, यू कैन शेयर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, आल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अटेंडिंग द सेशन, ठीक है। बाकी ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है ना, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, मॉलिक्यूलर बेसिस से जाता है, तो इसको अच्छे से रीड करो जब भी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी का हर एक लाइन को रिलेट करना सीखो, ठीक है। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लाइन आल्सो रिलेट द चैप्टर्स बाय डायग्राम्स आल्सो, एंड जो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, ठीक है। बाकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेंटर डॉगमा वाला पार्ट है ना उसको अच्छे से करते जाना एंड रिवीजन वाला पार्ट, ठीक है। तो That's all from my end. बाकी पढ़ाई करते रहो, all the best, okay?